हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट अड्डा 247। माय नेम इज नितेश जिमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के, सभी का स्वागत है बेटा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। आज बेटा पहला सेशन है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और किस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं? हेलो एल्केन से, हेलो एरीन से। बेहद 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। और हम बेटा काफी डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। आज बेटा पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है बेटा हेलो एल्केन्स का, एक पार्ट होता है बेटा हेलो एरीन्स का। दोनों चीजें आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आप लोगों की 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट 6 सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कल यार मैंने एक वीडियो रिलीज करा था जिसमें मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल दिया है आप लोगों को। सबसे पहले मुझे बताइए चैट सेक्शन में कि कितने बच्चों ने वो शेड्यूल देखा था, कितने बच्चों ने वो शेड्यूल देखा था। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हाँ जी सर, वो शेड्यूल हमने देख लिया था। बताइए बताइए जी, सबसे पहले क्या आप लोगों ने 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल जो मैंने वीडियो रिलीज करा उसे देखा? मैंने पूरा शेड्यूल दिया है, 6 सेशन में हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग एक्साइटेड है। एक बार बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद हम लोग और चीजों पे मूव करेंगे हम लोग। उसके बाद बेटा फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, और भी जो पोर्शन है उस पर हम लोग बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले अभी जो अपना टारगेट है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दी जाए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दी जाए, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें बेटा आज का सेशन। आई होप आप लोग एक्साइटेड है। एक बार बेटा चैट सेक्शन में आग लगा दीजिए कि हाँ जी सर एक्साइटेड है, स्टार्ट करते हैं। और एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं करा है। और हम लोग हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेशन का नाम क्या है बेटा, सेशन का नाम क्या है? सेशन का नाम है बेटा आप लोगों का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। सर आइए आइए जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आ जाओ बेटा, ठीक है। देखिए अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्या हो रहा था आप मुझे बताइएगा, है ना। जो भी बच्चे बेटा रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं वो भी मुझे बताइएगा। देखिए अब तक क्या हो रहा था, हम लोग मतलब मैं आप लोगों के 3 सेशंस ले रहा था पर वीक, है ना। और वो सेशन थोड़े से बड़े होते थे, 2.5 घंटे 3 घंटे के हम लोग सेशन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक बेटा मैं आप लोगों के 3 सेशन ले रहा हूँ पर वीक, ठीक है। मेरे को बेटा अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, तो एक बार आप लोग मुझे बताइएगा कि चैट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि क्या इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाए, 4 से 5 सेशन तक आप लोगों के क्या लिए जाए हम लोग। अगर हम लोग 4 से 5 सेशन लेंगे तो आप लोगों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही जल्दी मैं फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कल एक शेड्यूल दिया था उससे काफी पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जो भी रिकॉर्डेड बच्चा देख रहा हो वो भी मुझे जरूर बता के जाए कि हाँ जी सर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुझे जरूर बताइएगा ना। एक बार हम लोग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे, हमारे पास बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग और डायरेक्शन में भी मूव कर सकेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है, है ना। मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैट में नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बता दो, क्या आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं? हाइड्रोकार्बन्स के मैंने बेटा नोट्स दे दिए हैं, ऐप पर अवेलेबल है। अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करनी है वहां पर बेटा आप लोगों का अवेलेबल है, ठीक है। नोट्स भी दे दिए हैं, डीपीपी भी मिल रही है आप लोगों का। जो ये लक्ष्य बैच चल रहा है, आप लोगों का जो यूट्यूब क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसमें डीपीपी भी मिल रही है आपको, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर बेटा सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। चलिए बेटा इसी बात पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन बताता हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सवाल बोलता है कि यार हेलो एल्केन्स होते क्या है। हेलो एल्केन्स वो होते हैं जो बेटा जब आप लोगों का जो हेलोजन है वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आर क्या है बेटा आपका एल्काइल ग्रुप, ये एक्स क्या है बेटा आप लोगों का हेलोजन। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे देखो क्या ये हेलो एल्केन है, क्या ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। हाँ ये क्या हो गया आप लोगों का हेलो, ये हो गया आपका हेलोजन, ठीक है। तो ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। ऐसे जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार एक ही हेलोजन होगा, नहीं एक से ज्यादा हेलोजन भी हो सकते हैं। तो जैसे सपोज करो ये है, जैसे सपोज करो ये है CH2CH2, यहाँ पे CL हो गया, यहाँ पे CL हो गया, तो ये भी क्या है बेटा हेलो एल्केन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन पे एक हेलोजन है, इस वाले कार्बन पे एक हेलोजन है, क्या बाजू बाजू वाले कार्बन पे आपको हेलोजन दिख रहा है। हाँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा विसिनल। और क्या दो हेलोजन दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा विसिनल
ट्रिसिनल डायहेलोएल्केन, डायहेलोएल्केन बिल्कुल ठीक है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है, ये भी हो सकता है। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे सपोज करिए ऐसा कुछ केस है, ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसी वाले कार्बन पे क्या है, दोनों के दोनों हेलोजन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम, जेम बोल दो या जेमिनल बोल दो, ठीक है। मैं पूरा लिख के बता देता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, जेम लिखते हैं, है ना। वैसे पूरा क्या लिखते हैं, जेमिनल लिखते हैं। जेमिनल दो हेलो एल्केन है, अगेन देखिए दो हेलो एल्केन है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइहेलोएल्केन, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और सर हेलोएरीन क्या होता है, अब सवाल ये आता है कि सर हेलोएरीन क्या होता है। हेलोएरीन होता है बेटा जब आपके डायरेक्टली बेंजीन से, जब आपके डायरेक्टली बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे देखिए ये आपकी बेंजीन है, हाँ जी जी, ये फिनाइल हो गया बेसिकली, तो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने सपोज करो क्लोरीन लगा दिया। तो इसका इस हम लोगों ने आईयूपीएसी भी पढ़ रखा है। अब आईयूपीएसी में अगर मैं इसका नामकरण दूं तो इसका बेटा नामकरण क्या रहेगा, इसका नामकरण रहेगा क्लोरो, क्लोरीन लगाए तो क्लोरो, किस पे लगाए, बेंजीन पे लगाए, तो आप लोग क्या बोल दोगे बेटा, क्लोरो बेंजीन बोल दोगे, आया ना। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, सपोज करो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, यहाँ पे सपोज करो एक ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे सपोज करो ब्रोमीन आ गया। अब हमने बेटा आईयूपीएसी कर रखा है, इसका आईयूपीएसी बताइए क्या है, इसका अगर कोई नामकरण पूछे तो बताइए क्या क्या है। क्या ये आप लोगों को ऑर्थो पोजीशन दिख रही है, ये देखो बाजू बाजू वाली पोजीशन है, बाजू बाजू वाली पोजीशन है, बाजू बाजू वाली पोजीशन है, तो क्या ये आप लोगों को ऑर्थो पोजीशन दिख रही है, बिल्कुल। ऑर्थो पोजीशन में आप लोग इसका नामकरण अगर करने जाओगे तो क्या लिखोगे, ऑर्थो, कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डाइक्लोरो, और किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे, तो हम एक और वर्ड ऐड कर देंगे, क्या, बेंजीन, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा, सॉरी डाइक्लोरो नहीं, डाइब्रोमो, अरे ब्रोमीन है ना यार, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डाइब्रोमो लिखेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, दो ब्रोमीन है, और किस पे लगे हुए हैं बेटा, आप लोगों के बेंजीन पे लगे हुए हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, एक और वर्ड लिख दिया, बेंजीन लिख दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में। अब एक एक करके हमको ये भी पढ़ने हैं, एक एक करके हम लोगों को ये भी पढ़ने हैं, दोनों चीजें हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये पे देखिएगा, मैं आप लोगों को बोलते हुए आया हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स देख लिए। देखो एनसीईआरटी से मैं स्नैप लेके आता हूँ, एनसीईआरटी से मैं फोटो खींच के लेके आता हूँ, तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप एनसीईआरटी भी उठाओगे तो सबसे पहले वहां पे क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले चीज वहां पे क्या दे रखी है, सबसे पहले ये चीज दे रखी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ब्रांचिंग, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ब्रांचिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। कैसे सर, अगर आप एग्जाम्पल करवाना चाहो तो बॉइलिंग पॉइंट का, अगर सपोज करो मैं आपसे ऑर्डर पूछता हूँ, सपोज करिए बॉइलिंग पॉइंट का मैं आप लोगों से ऑर्डर पूछता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दूँ, ऐसा कुछ कंपाउंड दूँ, तो आप मुझे बताइए कि ऑर्डर क्या है, आप मुझे बताइए ऑर्डर क्या है, बताइए। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा सबसे पहला फैक्टर आप क्या देखा करो, सबसे पहला फैक्टर देखा करो आप मास। तो यहाँ पे आप देखो क्या हेलोजन चेंज हो रहा है, एक जगह बेटा क्लोरीन है, एक जगह बेटा ब्रोमीन है, एक जगह बेटा आयोडीन है, तो मास किसका ज्यादा, आयोडीन का ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा, आयोडीन का ज्यादा, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही, मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जहां पे आप लोगों का, जहां पे आप लोगों का क्या हो, मास सेम हो। जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन मैं नहीं बना रहा, हाइड्रोजन हम लोग मानते हुए चलेंगे कि वैलेंसी पूरी हो गई है, वैलेंसी पूरी हो गई है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये है चार कार्बन है और एक क्या है, ब्रोमीन है। चलिए सपोज करो मैंने कुछ ऐसा ले लिया, सपोज करो मैंने कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पे, और सपोज करो मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सब में क्या है, चार कार्बन है, यहाँ पे भी चार कार्बन है ब्रोमीन है, यहाँ पे भी चार कार्बन है ब्रोमीन है, यहाँ पे भी चार कार्बन है ब्रोमीन है, लेकिन बेटा ब्रांचेस का फर्क है, क्या यहाँ पे बेटा एक ब्रांच दिख,
यहाँ पे बेटा दो दो ब्रांचेज दिख रही हैं, तो ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और यहाँ पे तो एक भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं है, तो बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया सर। इसका मतलब सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो, सबसे पहली चीज आप देखते हो मास। सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे? मास देखोगे। अगर मास सेम है तो फिर दूसरे फैक्टर पे जाओगे। दूसरा फैक्टर कौन है बेटा? ब्रांचिंग है। दूसरा फैक्टर कौन है बेटा? ब्रांचिंग है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर आप एनसीईआरटी ओपन करते हो तो एनसीईआरटी में देखिए बड़ी ही शानदार चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? दो दो क्लोरीन लगा रखे हैं, बिल्कुल। एक दे रखी है आप लोगों की ऑर्थो पोजिशन। यहाँ पे देखिए बेटा, एक आप लोगों की दे रखी है ऑर्थो पोजिशन, एक दे रखी है बेटा आप लोगों की मेटा पोजिशन, और एक दे रखी है पैरा पोजिशन। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर दे रखा है। अब देखो यार, आप लोगों को तो यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर दे रखे हैं बॉइलिंग पॉइंट के और मेल्टिंग पॉइंट के। प्रॉपर टेम्परेचर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर आपको याद होना चाहिए जो मैं अभी आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? क्या आपको ऑर्थो का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है? फिर आपको किसका दिख रहा है? पैरा का। और सबसे कम किसका दिख रहा है? मेटा का। तो क्या ऑर्डर यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है? ऑर्थो सबसे ज्यादा, देन पैरा, देन मेटा। ये बताइए क्या ये आप लोगों को ऑर्डर दिखा? दिखा सर, दिखा सर, बिल्कुल सही है। और उधर ही बेटा अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बार सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? पैरा का है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा ऑर्थो का है, और उसके बाद देखो मेटा का है। सर याद करवा दो ना सर, हमें कैसे याद रहेगा? बेटा अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो इसको मैं क्लास में ही आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे सर, कैसे याद करेंगे सर? सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि यार ये जो मेटा वाला है ना, ये सबसे पीछे है। ये तो सर ध्यान हो गया, ये तो सर याद हो गया। कन्फ्यूजन तो सर ऑर्थो और पैरा में है, मेटा तो सर सबसे एंड में है। बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, कुछ भी हो, मेटा सबसे एंड में है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान रखना है कि सर किस में ऑर्थो ज्यादा है, किस में पैरा ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा में तो कन्फ्यूजन है। हाँ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेटा बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सिमेट्रिक। अब आपको कंफ्यूजन किस में है? आपको कंफ्यूजन है ऑर्थो और पैरा में। हाँ जी, तो हमें इतना तो पता है कि पैरा बहुत सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि दोनों क्लोरीन क्या है? अपोजिट है। क्या यहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो जो पैरा आप लोगों का होता है ना, दैट इज वेरी सिमेट्रिक। ये आप लोगों का क्या रहता है? सिमेट्रिक रहता है। और सिमेट्रिक रहता है तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तभी देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तभी देखिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। एंड ऑब्वियस सी बात, अगर पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे बाबू, कंफ्यूजन किस में है? ऑर्थो और पैरा में ही तो है, मेटा तो सबसे एंड में है। हाँ, अब अपन को यही याद रखना है कि किस में ऑर्थो ज्यादा है, किस में पैरा ज्यादा है। तो मैंने आपको यह बता दिया कि यार जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। सिमेट्रिक कौन है बेटा? पैरा। तो पैरा का क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, अब यार पैरा का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ऑर्थो का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये चीज याद हो गई है? क्या ये चीज याद हो गई है? बिल्कुल सर, है ना, ये चीज हम लोगों को याद हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी हमको देखो एनसीईआरटी से सीधा स्नैप लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, अगेन यहाँ पे आइए, ये चीज भी आप लोगों की बेहद इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं इनकी स्ट्रेंथ की। किसकी बेटा? कार्बन और फ्लोरीन की, कार्बन और क्लोरीन की, कार्बन और ब्रोमीन की, और कार्बन और आयोडीन की। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहेगी बेटा? फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि छोटी साइज क्या करेगा? खींचेगा, मतलब ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। बिल्कुल सही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पे बेटा स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे बेटा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर पूछूं, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन,
कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाती है? आयोडीन की हो जाती है। सबसे छोटी किसकी हो जाती है? फ्लोरीन की। और ऑब्वियस सी बात है आयोडीन की साइज भी सबसे बड़ी है, साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए बहुत रिसेंटली इनमें से सवाल पूछा गया है, इनमें से तो बहुत रिसेंटली सवाल पूछा गया है, शायद मेरे हिसाब से 2020 या 2021 में यहाँ से सवाल आया है। ठीक है, इन दोनों में से एक में से शायद 2020 या 2021 में सवाल आया, और ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन बेटा ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? डाइपोल मूवमेंट अगर आप लोगों से पूछता है नीट 2024 में या नीट 2025 में, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। क्या ट्रेंड है यहाँ पे बेटा? कार्बन और क्लोरीन का ज्यादा होता है कार्बन फ्लोरीन से, फिर बेटा नॉर्मल है ब्रोमीन है, फिर बेटा नॉर्मल है आयोडीन है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन ट्रेंड आ रहा है, एक्सेप्शन ट्रेंड का आ रहा है कार्बन क्लोरीन ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन से। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इसका रीजन भी पूछ सकते। देखिए नितेश भैया की आर्मी है तो बेटा इसका रीजन बेटा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है क्यू इंटू डी, आया ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। दो फैक्टर्स होते हैं डाइपोल मूवमेंट, आप कभी भी निकालते हो तो एक तो होता है चार्ज, एक तो होता है डिस्टेंस। इस केस में क्या होता है? आपका डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर चार्ज, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर चार्ज। कौन डोमिनेट करने लग जाता है? डिस्टेंस डोमिनेट करने लग जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसका बड़ा है? क्लोरीन का। क्यों? क्लोरीन की साइज बड़ी है। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्लोरीन का ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि डायपोल मूवमेंट होता क्या है? चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, और डिस्टेंस किसका ज्यादा है? डिस्टेंस आपका क्लोरीन का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है। तो और ये यही आप लोगों का जो ये है, क्या बोलते हैं, क्लोरीन है, इसकी साइज बड़ी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है चार्ज के ऊपर, इसीलिए ही बेटा आपका क्लोरीन आगे आ जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। रीजन ध्यान रखिएगा बेटा, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, सिलेक्शन बेटा आप लोगों का कॉन्टेंट से ही होगा। आप लोगों को सुप्रीम कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा, कितना ही इजी पेपर आ जाए, कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कंटेंट सुप्रीम दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बस फॉलो करते हुए चलिए, इससे असर्शन रीजनिंग बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बेटा हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। किसके? हेलो एल्केन्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, एक बार मुझे थम्स अप दे दो, आई होप आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार फटाक से सेशन को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आइए बेटा स्टार्ट करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से आप हेलो एल्केन्स बना सकते हो। ठीक है, उसमें कौन है बेटा? हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? एल्केन्स। अब देखो एल्केन्स कैसे बना सकते हो, मुझे ये बताइए, क्या हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी? जैसे तो CH4 आया, जैसे सपोज करो कोई सा भी हैलोजन आया, जैसे सपोज करो Cl2 आ गया, इसमें हम लोग क्या डालते थे? Hμ डालते थे। हाँ, Hμ क्या होता है बेटा? सनलाइट। कौन सी रिएक्शन होती थी? क्या ये आप लोगों की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? हैलोजनेशन बोलते थे। क्या होता था? यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसकी जगह कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। क्या ये बन जाएगा? CH3C ये बन जाएगा। हाँ, साथ साथ में कौन बन जाएगा? HCl बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? एक हैलोजन के साथ। अगर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, तो आप लोग मुझे बताइए, ये हमने पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन्स में, मुझे बताइए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सही है जी, ये भी चीज हमने पढ़ रखी है, ये भी चीज हमने पढ़ रखी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सर, एल्कीन से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें सिखाई है। क्या सिखाई है? एक सिखाया है मैंने आप लोगों को मार्कोनिकोफ रूल,
एक सिखाया है मार्कोनिकोफ रूल, तो यहाँ पे मैंने ये बताया था, जैसे सपोज करो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच एल्कीन ले ली, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया एच बी आर ले लिया, ले लिया सर सपोज करो एच बी आर ले लिया, तो मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता था कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है ये जो बी आर माइनस है वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक है यहाँ दो है, तो कहाँ जाएगा एक कार्बन की तरफ जाएगा, एक कार्बन की तरफ जाएगा। तो ये देखो हेलो एल्केन बन गया, यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन बन गया, यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन बन गया, बिल्कुल बन गया। और अगर इसी का ही बेटा अगर आप ये वाला रूप देखो, कौन सा एंटी मार्कोनिकोफ वाला, ध्यान है एंटी मार्कोनिकोफ कौन से डेडली कॉम्बिनेशन के साथ होता था, एंटी मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ होता था जैसे पूछ करो सेम मैंने क्या ले लिया रिएक्टेंट ले लिया, इस बार एच बी आर ले लिया लेकिन एरो के ऊपर एक और चीज डाल दी, क्या डाल दिया पर ऑक्साइड डाल दिया, तो क्या होता था एंटी मार्कोनिकोफ रूल होता था। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव हिस्सा कहाँ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा, देखो हेलो एल्केन ही है, एल्केन है या नहीं है, ये हेलो एल्केन है या नहीं है, है ना, हेलोजन ही तो जाके जुड़ा है, हेलोजन तो जाके जुड़ रहा है, तो हेलो एल्केन है ना ये, बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताइए ये चीज मैंने करवाई थी आपको, ये भी बताना, ये सपोज करो ये है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सपोज करो सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्रोमीन डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ सपोज करो मैंने ब्रोमीन डाल दिया, मतलब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, इस ब्रोमीन को पाई बॉन्ड पे ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे ये बनेगा, क्या यहाँ पे ये बनेगा आर सी एच एक ब्रोमीन नीचे आ जाएगा एक ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, आंटी की तरह एडिशन हो जाएगा, आंटी एडिशन हो जाएगा, एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे, ये क्या थी चीज, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ध्यान है, ध्यान है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन क्या करता था यहाँ पे जाके ऐड हो जाता था, ब्रोमीन कौन सा कलर का था, ब्राउन कलर का, वेपर्स डिसअपीयर हो जाते थे, हाँ जी सर। अच्छा ये देख एल्काइन्स से देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, जैसे सपोज कर, जैसे सपोज कर यहाँ पे ये हमने ये करा था आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कितने पाए बॉन्ड हैं, दो पाए बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे सपोज कर अगर मैं ब्रोमीन ऐड कराना चाहूँ कितनी करवाऊंगा, दो करवाऊंगा, कितने मॉलिक्यूल आएंगे, दो मॉलिक्यूल आएंगे, क्यों, क्योंकि दो पाए बॉन्ड है, और तो क्या बनेगा, ये बनेगा पे आ गया ब्रोमीन, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ये भी क्या था, ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था, ये भी क्या था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था, बिल्कुल सही है, ये भी क्या था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कितने पाए बॉन्ड, दो पाए बॉन्ड, तो ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ ये भी करवाया था, मुझे बताना, ये सब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में करा है, सपोज अगेन देख कितने पाए बॉन्ड, तो एक बात समझो अगर दो पाए बॉन्ड है तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और मैंने दो मॉलिक्यूल करवा दिए, सपोज कर टू मॉलिक्यूल्स करवा दिए HCl के, HCl के, तो ये जो दो क्लोरीन आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल है ना HCl के, ये जो दो क्लोरीन आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जाते हैं, दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जाते हैं, तो ये बता ये क्या डाइहेलाइड बन रहा है, दो हेलोजन है डाइहेलाइड बन रहा है, हाँ, और डाइहेलाइड बन रहा है, तो इसको देखो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, अभी बताया मैंने बेटा क्लास की स्टार्टिंग में, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेम, जेम बोल दो या जेमिनल बोल दो, जेम डाइहेलाइड, सही है। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी डिटेल में कर रखी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बेटा आगे की तरफ चलते हैं, अब हम लोग बेटा एल्कोहल से, अब हम लोग बेटा एल्कोहल से किस तरीके से आप लोग का हेलो एल्केन्स बनाते हैं, बेहद 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 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, चलिए ये गोली बेचा स्टार्ट कर दी। सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले चीज है बेटा लूकस रिएजेंट, सर लूकस रिएजेंट क्या होता है, हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये बताइए। सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, देखो मैं आपको सवाल भी बताते हुए चलता हूँ, सबसे पहले सवाल ये पूछेगा कि सर लूकस रिएजेंट होता क्या है, तो लूकस रिएजेंट क्या होता है, ये होता है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl, इनका डेडली कॉम्बिनेशन क्या होता है, लूकस रिएजेंट होता है। सर ई ससुरा काम क्या करता है, लूकस रिएजेंट सर ससुरा काम क्या करता है, काम कुछ नहीं करता है, यहाँ पे देखो ये आपका एल्कोहल है, बिल्कुल सही है, एरो के ऊपर क्या डाला, लूकस रिएजेंट डाला,
लूकस रिएजेंट डाला, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, और एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दिया, बिल्कुल सही। सर ई ससुरा काम क्या करता है? काम कुछ नहीं करता है, यहां से OH को बोलता है निकल, पहली फुर्सत में निकल, इस OH को क्या करता है निकालता है। और यहाँ पे देखो आपको Cl दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे भी देखो आपको क्लोरीन दिख रहा है, हाँ, उसकी जगह कौन ले लेता है, उसकी जगह आपका क्लोरीन ले लेता है, OH को निकालता है, क्लोरीन को ऐड करा देता है, ठीक है सर, ये चीज समझे। कैसे कराता है उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो आप ये देखो हेलो एल्केन बन गया सर, लेकिन बेटा ये जो हेलो एल्केन है, ये जो सॉल्यूशन होता है आपका टर्बिड सॉल्यूशन, टर्बिड समझते हो, धुंधला है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता है, क्या बनता है बेटा, टर्बिडिटी बनती है, हेलो एल्केन की क्या बनती है, टर्बिडिटी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखो मैकेनिज्म हम लोग सारी चीजों का नहीं पढ़ते हैं, मैकेनिज्म हम लोग सब का नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैकेनिज्म का पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका सबसे पहले मैकेनिज्म बताता हूँ। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन तो करना बता दिया, मैंने कैसे बता दिया, अल्कोहल निकालना है, क्लोरीन ऐड करना है, और सॉल्यूशन क्या होता है, टर्बिडिटी, बिल्कुल सही है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। सर आपकी वॉइस क्या दिक्कत आ रही है बेटा, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देखे चेक करें, क्या हो गया, अब देखिए अब सही हो गया शायद, एक बार चेक करिए, आई होप अब सही हो गया है, सही हो गई है अब वॉइस, वॉइस बीच बीच में कट हो रही है, अब सही हो गई है मेरे हिसाब से, अब सही हो गई है, एक बार बताइए, होप अब सही हो गई है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, अब सही हो गया, मैंने चेक कर लिया बेटा, है ना, देखो क्या आवाज है, अब सही हो गई है ना, चलो ठीक है, ठीक है, वॉइस बढ़ा दें थोड़ी सी, वॉइस बढ़ा देते हैं, बोलते जाओ यार सर, वॉइस बढ़ा दो, देखो बेटा, हेलो बताओ, वॉइस बढ़ा दी, माइक टेस्टिंग, वॉइस बढ़ा दी, चलो वॉइस भी बढ़ा दी, और बस चलो अब यहाँ आइए, मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। देखिए मैकेनिज्म हर किसी रिएक्शन का नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसका बता रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है, आइए बेटा मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखो लूकस रिएजेंट में बेटा कौन कौन है, लूकस रिएजेंट में बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, और कौन है बेटा ZnCl। सबसे पहले बेटा रिएक्शन के आपस में ही ये रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट करते हैं, आपका ZnCl2 आता है, और ये कौन आता है, HCl आता है। यहाँ से सबसे पहले देखो होता क्या, यहाँ पे देखिए जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले होता क्या है, कुछ नहीं, ZnCl2 क्या बोलता है क्लोरीन को, तुम हमारी हो, तुम हमारे साथ चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बना लेता है, ZnCl3- बना लेता है, और H+ को बेचारे को अकेला छोड़ देता है, ठीक है सर। पहला स्टेप समझे, हम समझे सर, क्लोरीन एक्सट्रैक्ट कर लिया ZnCl2 ने, पीछे बच गया बेटा H+। सेकेंड स्टेप क्या होता है, देखो आपके पास क्या है बेटा, एल्कोहल है तो बेटा ये है OH है, हाँ जी सर, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है, इन इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करता है, H+ अटैक करता है, इन इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करता है, H+ अटैक करता है, ये जाके बेटा इस पे जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये बन जाता है RO, और यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव, अब क्या होता है, यहाँ से बेटा पानी रिलीज हो जाता है, देखो आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ से पानी रिलीज हो जाता है, ये देखो H2O दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ से आपका वाटर रिलीज होता है, और आपका वाटर रिलीज हो गया, और पीछे क्या बन गया बेटा, R+ बन गया, क्या है बेटा R+ बेटा क्या बना है, R+ आपका बना है कार्बोकटायन, यस, अभी बेटा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन है बेटा, इसमें कार्बोकटायन है, अब समझे सर, यहाँ पे बेटा कौन है, कार्बोकटायन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और एक बार बेटा कार्बोकटायन बन गया, अब ये क्या बोलता है, जैसे ये R+ है, हाँ,
अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपका ZnCl3- बना था? हाँ, ZnCl2 ने क्या करा था, क्लोरीन लिया था ना चाचा जी, पहले स्टेप में क्या करा था, इस क्लोरीन को ले गया था ना ZnCl2। हाँ, तो अब R प्लस हमारा कौन है बेटा, हीरो है, हीरो हीरा लाल है, ये बोलता है क्लोरीन को वापस दो, क्लोरीन को वापस दो, तो क्या करता है, इससे क्लोरीन खींच लेता है, इससे क्लोरीन खींच लेता है, तो ये RCl बनाता है और प्लस ZnCl2 वापस से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये RCl बन गया, क्या टर्बिडिटी बन गई, बिल्कुल बन गई सर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ZnCl2 है ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, ZnCl2 acts as a catalyst। सर कैसे, सर हमारा तो सर सर घूम गया, कैसे कैटलिस्ट की तरह है बेटा, कैटलिस्ट क्या होता है, वो सबसे है जो इनिशिएट करवाता है रिएक्शन। देख पहले स्टेप में आ जाता है ZnCl2, हाँ, लेकिन लास्ट स्टेप में वापस से ZnCl2 बन गया, तब क्या आपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा भाई साहब, ने बस क्या करा, हेल्प करी रिएक्शन करवाने में, क्या करी बेटा, हेल्प करी रिएक्शन करवाने में, पहले स्टेप में आया लेकिन एंड के स्टेप में वापस से निकल गया, तो कैसे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है सर ये चीज समझे। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या चीज समझ में आई, लुकस रिएजेंट में सबसे पहली बात आपका जो कटायन, आपका जो इंटरमीडिएट है वो कौन होता है, कार्बो कटायन होता है, कैटलिस्ट कौन होता है, ZnCl2 होता है, सोल्यूशन कौन सा बनता है बेटा, धुंधला है, कौन सा बनता है बेटा, टर्बिड बनता है, कौन सा बनता है बेटा, टर्बिड बनता है, क्या हो गया भाई, यार मेरे हिसाब से है ना मैनेजेबल है, मेरे हिसाब से मैनेजेबल है, प्लीज इस तरीके से रिएक्ट मत करो यार कि मैनेजेबल नहीं है, प्लीज इस तरीके से रिएक्ट मत करो, आई होप इट इज मैनेजेबल, मेरे हाथ में है नहीं यार ना, अब क्लास के बाद मैं बेटा बैकएंड टीम से बात करूंगा और मैं पूछूंगा ये ग्लिच, ठीक है, आई होप जो वॉइस हल्की सी भी अगर ब्रेक हो रही है तो आई होप इट इज मैनेजेबल, है ना, वरना बेटा मेरे को क्लास एंड करनी पड़ जाएगी, है ना, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए प्लीज, उसके इस सेशन के बाद ही बेटा मैं बात कर पाऊंगा बैक एंड टीम से और इसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा, मैं बीच में तो बेटा कर नहीं सकता, या तो मुझे सेशन बंद करना पड़ेगा फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डीले हो जाएगी, क्या हम प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है है ना यार, कुछ नहीं फिर और डिले हो जाएंगी ठीक है, आइए जरा यहाँ पे देखो हमारा इंटरमीडिएट कौन है, हमारा इंटरमीडिएट है बेटा कार्बोकैटायन, हमारा इंटरमीडिएट कौन है बेटा कार्बोकैटायन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, जो रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए हमारा जो इंटरमीडिएट है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो इंटरमीडिएट है बेटा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी, रिएक्टिविटी रहेगी, उतनी ज्यादा क्या रहेगी, रिएक्टिविटी रहेगी, बिल्कुल सही बात है इसका। अब यहाँ पे क्या बनती है, एक बेटा टेबल बनती है, जैसे सपोज करो, जैसे हमको पता है यार, अगर मैं कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर पूछूं तो मुझे बताएगा कोई चैट सेक्शन, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का कोई ऑर्डर पूछूं तो चैट सेक्शन में बताओ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्या ऑर्डर रहता है, सबसे ज्यादा बेटा 3 डिग्री रहती है, देन बेटा 2 डिग्री रहती है, देन बेटा 1 डिग्री, बिल्कुल सही। तो सपोज करिए बेटा अगर कहीं पे भी 3 डिग्री का एल्कोहल है, क्या बेटा सपोज करो 3 डिग्री का एल्कोहल है, सपोज करो 2 डिग्री का एल्कोहल है और सपोज करो 1 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक टेबल बनती है, यहाँ पे क्या टेबल बनती है, ये सपोज करिए टर्बिडिटी की टेबल बनती है, मतलब यार ये जो देखो सोल्यूशन आपका अल्टीमेटली क्या बनना है, टर्बिड बनना है, हेलो एल्केन बन रहा है तो क्या बनना है, टर्बिडिटी बनना है। अब एक है 3 डिग्री का एल्कोहल, एक 2 डिग्री का, एक 1 डिग्री का, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री एल्कोहल की, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट के ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो अगर बेटा 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी वो टर्बिडिटी देता है, तो कितनी जल्दी देता है, इट गिव्स टर्बिडिटी विद इन सेकंड्स, मतलब विद इन सेकंड्स ये रिएक्शन खत्म कर दे, 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ी सी कम रिएक्टिविटी, तो ये क्या करता है, विद इन मिनट देता है, कुछ मिनट लगाता है है ना, लेकिन दे देता है टर्बिडिटी, 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम, मतलब ये तो बेटा घंटे लगा देगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में,
क्यों? क्योंकि इसमें बेटा 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, स्टेबिलिटी कम है इंटरमीडिएट की, तो रिएक्टिविटी भी कम हो गई। ठीक है सर, आई होप लुकस रिएजेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए, आई होप लुकस रिएजेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब एक बढ़िया सवाल पूछूंगा सिलेक्शन बेटा कंटेंट का, आइए एक अच्छा सवाल पूछता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरी जो आर्मी है वो केवल और केवल रट के जाए। सर क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे सपोज कर मैंने दिया ये ऐसा कुछ कंपाउंड दिया, मैंने सपोज कर ऐसा कुछ कंपाउंड दिया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या इसकी रिएक्टिविटी स्लो है या फिर क्या इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है लुकस रिएजेंट के साथ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसकी रिएक्टिविटी स्लो है या फास्ट है। तो अब देखो यहाँ पे एक बच्चा तो क्या होगा, एक बच्चा जो थोड़ा सा नूब की तरह इसे डील करेगा, जो थोड़ा सा रट के आया है उसे डील करेगा, वो क्या बोलेगा, सर ये तो मुझे 1 डिग्री का एल्कोहल दिख रहा है और 1 डिग्री के एल्कोहल की आपने बोला कि सर रिएक्टिविटी कम होती है, घंटों में देता है तो सर इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप इसको 1 डिग्री से लेके चलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? आप क्या करो इसका कार्बोकैटायन बनाओ, आप क्या करो इसका कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन कैसे बनाओगे, इस OH को बाहर निकालो, OH को बाहर निकालते से ही आपने बनाया ये कार्बोकैटायन। देखो ये है 1 डिग्री ही, है ये 1 डिग्री ही, लेकिन क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है, कैसे डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड है, ये तेज भैया की आर्मी करेगी, तेज भैया की आर्मी ये गलती नहीं करेगी भैया, एनडी आर्मी स्पार्टन आर्मी है ना। यहाँ पे देखो इट इज व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये क्या है, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। अब अगर स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्या समझे, क्या समझे? तो हमेशा बेटा एक चीज नहीं रटनी है, हमेशा एक चीज नहीं रटनी है कि 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा, 1 डिग्री कम, ये तो है ही है, ये तो सत्य है ही, लेकिन परम सत्य क्या है, परम सत्य है ये स्टेबल देखना है कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो भाई यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या समझे, क्या समझे, समझे या नहीं समझे? सब में कार्बोकैटायन बनाओ, आपसे बोले कि रिएक्टिविटी बताओ लुकस रिएजेंट के साथ, आप तो क्या करो कार्बोकैटायन बनाओ, फिर अपने फंडे लगाओ, इंडक्टिव लगा दो, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो, रेजोनेंस लगा दो, एरोमेटिसिटी लगा दो, सब लगा दो बेटा, सब लगा दो, समझे, समझे सर, ये चीज समझे। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, अब दूसरी चीज की तरफ लेके चलता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हमेशा आप लोग कार्बोकैटायन बनाओ, उससे करोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, रिएक्शन विद HX बहुत ही बच्ची चीज है, बहुत ही बच्ची, क्या है, कुछ नहीं, क्या करता है, यहाँ से OH को बाहर निकालता है, इसकी जगह बेटा क्लोरीन हेलोजन अंदर आ, इसकी जगह हेलोजन अंदर आ, तो RCl बन गया है ना, प्लस साथ में आपका H2O बन जाता है। अगेन देखो क्या होगा, यहाँ से बेटा OH आएगा, हाँ यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, इसकी जगह ब्रोमीन लगेगा, कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं बेटा, है ना, आपका हेलो ब्रो OH हटा और इसकी जगह हेलोजन लगा, उसकी जगह हेलोजन लगा। लेकिन सर इसमें भी कुछ अतरंगी केस हैं या नहीं है, है बेटा, सवाल यहाँ से बनता है, सवाल यहाँ से बनता है। अब यहाँ पे देख, रिएक्शन विद HI, ये जबरदस्त अतरंगी केस है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, रिएक्शन विद HI, ये बेहद इंपॉर्टेंट, ये अतरंगी केस है। अब इसको समझिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो केसेस करवाऊंगा और एकदम दिमाग में आप लोगों के फीड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, HI के साथ। HI क्या लिया है, एक्सेस में, लेने का मतलब खूब सारी मात्रा में प्रेजेंट है, HI में लेने का मतलब क्या है, खूब सारी मात्रा में प्रेजेंट है, एक्सेस में, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, सर रिएक्शन तो वही होगी, क्या OH बाहर निकलेगा और उसकी जगह कौन आएगा, आयोडीन आएगा। मेरी बात बताओ, सबसे बताओ, ये पहला स्टेप क्या सही है या नहीं, ये मुझे बताइए, क्या ये पहला स्टेप सबको समझ में आया है? हाँ, कुछ नहीं, पहले वाले ऐसे ही तो कराया यार, OH को बाहर निकाला है, हेलोजन को अंदर जोड़ा है, यहाँ पे देखो OH को बाहर निकाला है, हाँ हेलोजन को अंदर जोड़ा है, बिल्कुल सही।
अब यहाँ पे आप देखो कि क्या आपको दोनों आयोडीन पास पास में दिख, क्या आपको दोनों आयोडीन पास पास में दिख रहे हैं, वाले कार्बन पे, वाले कार्बन पे। हाँ, अब इस बात को आप समझिए कि दो आयोडीन बाजू बाजू वाले कार्बन पे नहीं आ, दो आयोडीन बाजू बाजू वाले कार्बन पे नहीं आ सकते। ये क्या होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे क्या होते हैं, धक्के होते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन दोनों आयोडीन के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। दो आयोडीन बाजू बाजू वाले कार्बन पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिपल्शन होगा तो आई टू रिलीज हो जाएगी, आयोडीन क्या हो गई, रिलीज हो गई। देखो आयोडीन क्या हो गई, रिलीज हो गई, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया। बॉन्ड टूटा ना, तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अब आपके पास जो एच आई है वो क्या है, एक्सेस में है, तो मतलब खूब सारी मात्रा में है, एंड तक हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बन गया आपका एल्कीन। हाँ, क्या यहाँ पे जो एल्कीन बना है, क्या यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन एचआई के साथ करा दूं, एडिशन ऑफ एचएक्स, इन पे एडिशन ऑफ एचएक्स। हाँ, तो ये एचआई है, ये क्या करेगा, इस एल्कीन पे जाके ऐड होगा, एल्कीन पे ऐड होगा तो क्या बनाएगा, एस थ्री सी एच टू, और यहाँ आ गया आयोडीन, और यही है आपका, यही है आपका आंसर। बोल हायाना, बोल हायाना, समझ में। ये क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन एक्सेस में खूब सारी मात्रा में, भैया टंकी भर रखी है अपन ने, टंकियां टंकियां भर रखी है ना, तो एक और बार रिएक्शन करवा दी, एल्कीन पे एचआई की रिएक्शन करवा दी। सर अब देखना इसका एक और स्पेशल केस, एक और लेवल हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या, अब हमने तीन ओएच लगा, यहाँ पे हमने तीन ओएच लगा दिए। हाँ जी, एचआई के साथ है और एचआई एक्सेस। सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है, ओएच निकाल, ओएच निकाल, ओएच निकाल, इसकी जगह क्या जोड़, आयोडीन जोड़। सबसे पहला स्टेप तो कॉमन है ना, सबसे पहला स्टेप है वो तो कॉमन है ना। अब यहाँ बताइए, क्या यहाँ पे दोनों आयोडीन पास पास आ गए, हाँ, क्या यहाँ पे भी दोनों आयोडीन पास पास आ गए, हाँ। ये दिक्कत की बात है, अनस्टेबल है तो बॉन्ड टूटेगा। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये पहले और दूसरे वाले का बॉन्ड तोड़ूं या दूसरे या तीसरे वाले का बॉन्ड तोड़ूं, जो आपको पसंद हो, ये नीचे वाले आयोडीन का बॉन्ड तोड़ूं या ये ऊपर वाले आयोडीन का बॉन्ड तोड़ूं, आपको जो पसंद है, नीचे वाले आयोडीन का बॉन्ड तोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है, आंसर आंसर चेंज नहीं होता है, अपने अपने मन से आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सर ऊपर वाले का तोड़ेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं नहीं भाई, अपन नीचे वाले का तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको पसंद हो वो तोड़ देते, ठीक है। चलो, तो ये आयोडीन और ये आयोडीन का मैंने बॉन्ड किया, तो यहाँ से देखो बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड तोड़ते से डबल बॉन्ड लगा दूंगा मैं, एक आयोडीन तो बच गया ऊपर वाला, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा, आई टू रिलीज हो गई, वो रिलीज हो गई, उसको उड़ा दो, करके उड़ा, उसको उड़ा दो, उड़ा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये एल्कीन बच गई, बन गई है, हाँ, खूब सारी टंकी में है, दिक्कत की क्या बात है, कोई दिक्कत। अब यहाँ बता, क्या यहाँ पे मैं मार्कोनिकोफ रूल लगा दूं, क्या यहाँ पे मैं मार्कोनिकोफ रूल लगा दूं, मतलब जो नेगेटिव हिस्सा जो आई माइनस है वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दो है, दो है या एक है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है, तो यहाँ पे देख ऊपर वाला आयोडीन तो एज इट इज, बीच में भी आयोडीन आ गया, क्या आ गया आपका हाइड्रोजन। अब देख ये बना, बना सर, सर वापस गड़बड़ हो गई, कैसे, आयोडीन पास में आ गए भाई, दो आयोडीन पास में आए, ये है ना, दो आयोडीन पास में आई, आए तो क्या करेंगे, देंगे, देंगे तो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, आई टू क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देख क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, देख ना, दो आयोडीन बाजू बाजू आ गए, तो क्या हो गया, आई टू रिलीज हो गई और क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब देख ये जो एल्कीन बनी है, एच आई तो बेटा खूब है ना आपके पास, भाई साहब टंकियां भर रखी हैं एच आई की, कमी है क्या एच आई की, नहीं, एच आई एंड तक रिएक्ट करेगा, एच आई एंड तक रिएक्ट करेगा, क्या वापस से मैं मार्कोनिकोफ रूल लगा दूं, वापस से मार्कोनिकोफ रूल लगा दूं, मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता था, कि जो नेगेटिव हिस्सा है आई माइनस वहां जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है, क्या बनेगा, एच थ्री सी एच, इधर आई, इधर एच, क्या हुआ, कर दे चैट सेक्शन में सर, मजा आ गया है तो सर,
मजा आ गया। ये केवल आयोडीन के साथ ही होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ मत कर लेना, करने लग जाना। सिर्फ आयोडीन के साथ ही होता है, क्यों? दो आयोडीन अगर पास पास आ जाते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। दो ब्रोमीन चल जाएंगे, दो क्लोरीन चल जाएंगे, दो फ्लोरीन चल जाएंगे, दो आयोडीन नहीं चलते, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, बड़ा बल्की होता है। आयोडीन क्या होता है, बड़ा बल्की होता है, तो क्या करता है बड़ा, तोड़ देता है ना आपस में, क्या करता है बड़ा, बाजू बाजू वाला बॉन्ड तोड़ देता है और आई टू बन के उड़ जाती है ना बेटा, अतरंग अतरंगी केस क्वेश्चन भी सर। तो बेटा ये क्या है, ए नीट 100, 100 नंबर लेके आओगे नीट 100? तो ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन ही तो है, ये क्वेश्चन ही करवाया है हमने। क्या है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। टार्जन प्रोसेस देखें, टार्जन प्रोसेस देखें बेटा, टार्जन का प्रोसेस है ये। देखिए बेटा मूवी देखी है, देखिए क्यों बेटा, टार्जन मूवी देखी है, देखिए कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नीट के बाद बेटा है ना, नीट के बाद बेटा। भाई साहब इतनी खतरनाक है मूवी, सारे ये जो इतने बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चर हैं सबकी बैंड बजा देता है बेटा, गैराज में बेटा ऐसी कार बना देता है, स्पोर्ट्स कार भयंकर वाली, और उसका पेंट हो जाता है एकदम पर्पल। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नीट के बाद देखेंगे। आ जाओ बेटा टार्जन प्रोसेस, टार्जन प्रोसेस सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या डालते हैं बेटा, SOCl2 डालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर क्या डालते हैं बेटा, SOCl2 डालते हैं। ठीक है, अच्छा SOCl2 का नाम बताइए, SOCl2 का बेटा नाम बताइए, नाम बताइए। होता क्या है, होता कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, हाँ यहाँ पे देखो OH है, हाँ कुछ नहीं, यही होगा। OH को बोलेगा निकलो बेटा, पहली फुर्सत में निकलो, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से बेटा OH बाहर निकला, और यहाँ से क्या, यहाँ से क्या आ गया बेटा, क्लोरीन आ गया, बिल्कुल सही है। सत्य वचन, SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, SOCl2 को हम आयोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिल क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पे ध्यान से देखो, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या OH राइट साइड में है, हाँ क्या यहाँ पे क्लोरीन भी राइट साइड में आया है, हाँ, तो सेम साइड आया, जहाँ पे OH था वहां पे ही बेटा क्लोरीन आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ अ कॉन्फिगरेशन, तो हम लोग बोलते हैं बेटा रिटेंशन ऑफ अ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या, अगर सपोज कर ये जो कायरल कार्बन है, कायरल है, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अगर ये कायरल है तो ये भी कायरल क्या होगा, एस होगा, ये भी कायरल क्या होगा, एस होगा। तो यहां पे क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SNI, क्या बोलते हैं बेटा, SNI बोलते हैं, आई फॉर इंट्रा मॉलिक्यूलर, है ना। ये SN क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आई कैसे, इंट्रा मॉलिक्यूलर। और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं बेटा SO2 जो कि गैस है उड़ जाती है, और बेटा बनती है HCl जो कि गैस है जो कि उड़ जाती है। अब एनसीईआरटी में बेटा एक बहुत ही शानदार लाइन लिख रहा है सर, क्या लिख रखी है, एनसीईआरटी में एक बहुत ही शानदार लाइन लिख रहा है, क्या लिख रखी है, एनसीईआरटी बोलता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड, अगर आपको हेलो एल्गिन बनाना है तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। सर ऐसा क्यों बोलता है एनसीईआरटी, सर ऐसा क्यों बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट कौन है, SO2 और HCl, वो क्या है, गैसेस है। तो समझना बोल रहा है इसमें, डार्जन मेथड को बेस्ट मेथड, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, गैसेस है। यहाँ पे लिखो कॉज, कॉज बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आर गैसेस। तो सर गैसेस होने से क्या होता है, सर गैसेस होने से क्या होता है, गैसेस होने से ये होता है कि ये जो गैस है, गैस क्या करती है, उड़ जाती है। जब मैं बेटा जहां पे रिएक्शन करा रहा हूँ उसका अगर मैं कंटेनर ओपन करके रख दूँ, गैस क्या करेगी, गैस तो सर उड़ जाएगी, ऐसे बेटा ये उड़ जाती है, उड़ जाती है। क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना, क्या प्रोडक्ट उड़ रहा है, क्या प्रोडक्ट उड़ रहा है, ये प्रोडक्ट ही तो है।
हाँ सर, ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उड़ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अगर प्रोडक्ट उड़ रहा है, अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जो क्या है, बहुत अच्छी बात है, जो कि क्या है, बहुत अच्छी, समझे। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, गैशियस है, तो बाय प्रोडक्ट आर गैशियस, देयरफॉर लेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देयरफॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कौन बोलता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये कौन बोलता है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है। यहां पे देखिए बेटा, वॉइस बेटा इतनी शानदार आ रही है, आ जाएगी बेटा, इससे अच्छी वॉइस आएगी, डायरेक्शन, कौन बोलता है, वॉइस अटक तो नहीं रही है, वॉइस तो नहीं अटक रही है बेटा, अपन ने भी चला लिया लैपटॉप में, अब तो अपनी स्ट्रीम चला ली बेटा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा मैं पूरी क्लास में कुछ ध्यान नहीं देने वाला, वॉइस ब्रेक पे है उस पर आपको चैट सेक्शन बोलना है, बोलते रहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, अपन कंटिन्यू करेंगे, अपन को बेटा आज ये चैप्टर फिनिश करना है ना, अपन को ये चैप्टर फिनिश करने के ना, आई होप दिस इज मैन, है ना, वॉइस इतनी भी नहीं है कि वॉइस आई नहीं रही, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, क्या ये बेस्ट मेथड है, कैसे, उसका मतलब वो उड़ जाएंगी, उड़ जाएंगी मतलब प्रोडक्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कोई नहीं, चलो आगे चलें, आगे चलें, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब देखो इसी में ही ये एक स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है सर, अगेन मैंने सेम रिएक्टेंट लिया, SOCl2 लिया, लेकिन सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया, पिरीडीन, सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया, पिरीडीन, तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी, इस OH को तो बाहर निकालेंगे, क्या होगा बेटा, इस OH को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन ध्यान से समझना, जो क्लोरीन आएगा बेटा, क्लोरीन आएगा अपोजिट साइड आएगा, जो क्लोरीन आएगा बेटा आएगा अपोजिट साइड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH बेटा राइट साइड था, यहाँ पे OH ये लगा है लेफ्ट साइड आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग हैं वर्जन ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, वर्जन ऑफ, वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या, अगर सपोज करो ये R है तो ये क्या रहेगा, S, अगर सपोज करो ये S है तो क्या रहेगा, R रहेगा, क्या रहेगा, R रहेगा, और इसका अगर आप मैकेनिज्म पूछो तो मैकेनिज्म क्या रहता है, SN2 क्या होता है इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ठीक है ना, वो कब होता है, केवल जब आप पिरीडीन ले लोगे, पिरीडीन नहीं लिया तो आपका रिटेंशन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब सेम रहेगी, रिटेंशन का मतलब, अब बेटा अंग्रेजी, अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए, क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, चलो चलो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बची हैं, रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3 मतलब जैसे आपने सपोज तो ले लिया PCl3 ले लो, या आप ले लो PBr3, या आप ले लो PI3, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ओ एच बाहर निकलेगा और उसकी जगह है, जगह हैलोजन आर एक्स आ गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। रिएक्शन विद PCl5, है ना, अब इसको मैं बेटा प्यार से क्या बोलता हूँ, है बेटा बर्थडे है आज किसी का, हमारा बर्थडे, फिर पूछता है सबका बर्थडे आ जाए, सर हमारा, सर हमारा बर्थडे है सर, सर क्या करोगे, सर गिफ्ट दोगे, सर कोई गिफ्ट है हमारे लिए, गिफ्ट है तो सर दे दो सर, है कुछ नहीं बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, केक कटिंग रिएक्शन, तो आपका बर्थडे है तो देखो आपके लिए केक लेके आए हैं, आपके लिए हम क्या लेके आए हैं बेटा, केक लेके आए हैं सर, किसका लेके आए सर, केक किस, केक है बेटा PCl5 है सर, PCl5 का भी कोई केक होता है क्या, हाँ बेटा मार्केट में नया है, मार्केट में बेटा नया आया है PCl5 का बेटा, क्या आया है, केक आया है सर, कैसा केक है जरा दिखाइए,
कैसा केक है सर, जरा दिखाइए खिलाइए। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, कैसा केक है इधर देखो, एक सेकंड, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, क्या होता है, ये आया आपका पी, इधर आया सी एल। अब देखो बेटा केक को काटेंगे, देखो पी सी एल फाइव बना दिया। अब बेटा केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो बेटा सब में बटेगा। तो यहाँ पे देख सबसे पहले ये केक कटता है, यहाँ पे देख कौन है, आर है और सी एल है, क्या है आर सी एल। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख एच सी एल है, यहाँ पे देख ये एच है और यहाँ पे सी एल है, क्या है, बीच में क्या बच गया बेटा, पी ओ एल थ्री बेटा, क्या बोलेंगे इसको, को क्या बोले बेटा, को सी एल थ्री बना बेटा, देख पो है ना ये, ये देख पो सी एल थ्री, ओ सी एल थ्री, ओ सी एल थ्री। बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। केक कटा बेटा, केक कटा बेटा, केक कटा सर, केक कटा सर। ठीक है अब यहाँ पे आएंगे, एक लास्ट रिएक्शन आपकी बची है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तब सर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को लात मारेगा, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को लात मारेगा, क्या कैसे सर, कैसे लात मारेगा। सबसे पहले बेटा फिंकलस्टीन ने ये लात मारी, सबसे पहले जो ये लात मारी बेटा वो किसको मारी, किसने मारी, फिंकलस्टीन ने मारी। कैसे मारी सर, कैसे मारी, जैसे ये आर सी एल, जैसे ये आर बी आर, यहाँ पे देखो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को लात मार, तुम अपने दोस्तों को लात मारते थे ना, हमारा जो पास में जो बेंच में बैठता था स्कूल पे उसको लात नहीं मारते थे, बट दूरा है ना, तो यहाँ पे भी ये होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, एन ए और सॉल्वेंट की तरह लेते हैं एसीटोन को, एन ए आई लेते हैं सॉल्वेंट की तरह, किसको लेते हैं बेटा एसीटोन को, क्या होगा यहाँ से बेटा क्लोरीन और आयोडीन को लात पड़ेगी, क्लोरीन और आयोडीन को लात पड़ेगी, ठीक है। और इसके इसके पास इसके साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लात पड़ेगी, पास में कौन आ जाएगा बेटा इसके, आयोडीन आ, पास में कौन आ जाएगा बेटा आयोडीन आ, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा एन ए सी एल का बेटा एन ए बी आर बन जाएगा, एन ए बी आर बन जाएगा, ठीक है। दोनों बेटा जो बनते हैं दोनों क्या होती हैं, पीपीटी, ध्यान से यहाँ पे ये क्या बनाता है बेटा, पीपीटी बनाता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है बेटा, पीपीटी बनाता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो एन ए सी और एन ए बी आर क्या बनते हैं, सबसे पहली बात ये बताओ क्या हैलाइड एक्सचेंज दिखा, इस बेटा क्लोरीन को लात पड़ी आ गया, ब्रोमीन को बेटा लात पड़ी, यहाँ पे आयोडीन, एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को लात पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है कि आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट आपने लिया एसीटोन, सॉल्वेंट आपने क्या लिया एसीटोन लिया, सर ये टोन क्यों लिया, ये सवाल है। तो अब ये सवाल का उत्तर क्या है ले लेते हैं, कॉज, देयरफॉर है ये बिकॉज होता है, कॉज एन ए सी ए एंड एन ए बी आर आर नॉट सल्यूबल इन एसीटोन, में क्या होते हैं ये सल्यूबल नहीं होते हैं। अब अगर सल्यूबल नहीं है तो क्या बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, बात ध्यान से समझ, जब ये चीजें, जब ये दोनों की बना रहे, क्या ये पर है, क्या ये टेस्ट ट्यूब के नीचे, हाँ रिएक्शन देसी भाषा में लिख देता हूँ, यहाँ पे देसी भाषा में लिख देता हूँ, यहाँ पे देयरफॉर रिएक्शन से बाहर, और रिएक्शन बाहर हो रहे हैं तो सेम सेम चीज लगाओ, ये रिएक्शन से बाहर हो रहा है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, रिएक्शन से बाहर हो रहा है मतलब प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट कम हो रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, कौन सा प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल, रिएक्शन से बाहर हो रहे हैं देयरफॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कौन सा प्रिंसिपल, ली चैटलर, चैटलर प्रिंसिपल है अगर प्रोडक्ट कम हो गए है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, समझे, इसीलिए हम लोग एसीटोन लेते हैं। कह रहे हैं बेटा अपन क्या है, अपन बहुत दिमाग वाले, अपन क्या है बेटा, अपन बहुत दिमाग वाले हैं, अपन ने जानबूझ के क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया, ताकि जो बाय प्रोडक्ट है वो पीपीटी बना ले, पीपीटी बना ले तो रिएक्शन से बाहर हो जाए, प्रोडक्ट कम हो जाए, प्रोडक्ट कम हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी।
तो क्या है, लीच एडलिप। ठीक है, तो एक तो अपन ने लात मारी किससे पढ़वाई, फिंकलस्टीन। एक लात अपन ने किससे पढ़वाई, फिंकलस्टीन से पढ़वाई। दूसरी लात बेटा किससे पढ़वाते हैं, श्वार्ट्ज से। श्वार्ट्ज भैया ने बोला हम कैसे पीछे रहेंगे, श्वार्ट्ज भैया ने बोला हम भी लात मारेंगे, भी मारो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर सी एल है, यहाँ पे आर बी आर है, यहाँ पे बेटा आर आई। अब देखो यहाँ पे लात लात मारने के लिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं बेटा फ्लोरीन के एजेंट। तो क्या डालते हैं बेटा, फ्लोरीन के एजेंट। जैसे ए जी एफ डाल दिया हमने, कोबाल्ट का फ्लोराइड डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो लात कैसे पड़ेगी, एल को लात पड़ेगी। देखिए लात किस किस को पड़ने वाली है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। इसकी जगह कौन आएगा, फ्लोरीन। तो यहाँ पे देख क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आर का आर का आर। एक हेलोजन ने दूसरे हेलोजन का बोला बट समझे समझे, क्या लात मारना आ गया है, मुझे बताइए क्या लात मारना आ गया है, क्या लात मारना आ गया है, लात मारना आ गया, लात मारना। ठीक है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को लात मार देगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए, अब आ जाइए बेटा, अब हम लोग एक क्लास ऑफ रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बेहद 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा वो भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे आ जाओ। अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहीं पर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एस एन वन क्या होता है, यहीं पर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा एस एन। यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं बेटा, जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ये है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आप लोग बेटा और क्या, आप लोग बोलते हो सबस्ट्रेट, आप लोग क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट बोलते हो। ठीक है, तो इस सबस्ट्रेट पे कौन रिएक्ट करता है, एन यू माइनस। सर एन यू माइनस को ना न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे देखो क्या हो रही है, यहाँ पे रिएक्शन ये हो रही है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, एल माइनस को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये जो एल माइनस है ये बाहर निकलता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल। और इस एल माइनस, क्या ये एल माइनस बाहर निकला है, यहाँ पे देखो पहले किसके साथ था, आर के साथ जुड़ा हुआ था, अब क्या है, बाहर निकल गया है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो एल माइनस क्या है, लीविंग ग्रुप है। अब आप ध्यान से, तो इसमें हम लोग को तीन चीजें पढ़नी हो सर, क्या क्या पढ़नी हो, क्या क्या पढ़नी हो। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है कि यार ये लीविंग ग्रुप कौन होते हैं, है ना। अभी मैं आप लोगों को पहले, सबसे पहले लीविंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा, और जैसे जैसे बताते हुए चलूंगा वही आप लोगों के क्या रहेंगे, सवाल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को लीविंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ठीक है सर, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्वेंट, लास्ट में मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगा। इन तीन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। एक बार फटाक से थम्सअप दे दीजिए, एक बार फटाक से थम्सअप दे दीजिए, एक एक करके लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो, क्या ये आप लोगों की जनरल रिएक्शन थी। हाँ जी सर, लिविंग ग्रुप कौन था बेटा, एल माइनस आप लोगों का लिविंग ग्रुप। अब एक बात मुझे आपसे सवाल पूछना, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे यार एक बात ये बता सर, यार यह एल माइनस टेबल बन रहा, सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, चैट सेक्शन कर देना बेटा, आप चैट सेक्शन एकदम एक्टिव कर देना। मुझे ये बताइए कि अगर ये जो एल माइनस है ये स्टेबल है, अगर दिस एल माइनस इज स्टेबल, तुम ये बताओ क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ जी सर, क्या रिएक्शन इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है कहाँ जाना चाहती है, सर स्टेबल। तो भाई साहब, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, बोलता हूँ कि अगर ये जो एल माइनस है ये क्या है, अनायन है, यहाँ पे देख यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, सर ये क्या है बेटा आपका, स्टेबल बन रहा है, तो इसका मतलब ये बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों, रिएक्शन फॉरवर्ड जारी है, और फॉरवर्ड जाने पे क्या हो रहा है, यहाँ से एल बाहर निकल रहा है, एल बाहर निकल रहा है। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया वो है जो स्टेबल रहेगा अनायन।
तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। ये जो अनायन है इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो वो एक लीविंग ग्रुप हो, अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखिए, अब एक बात यहाँ पे सपोज करो आपके हेलोजन के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, किसके बारे में चर्चा करते हैं, हेलोजन के बारे में चर्चा करते हैं। सर कौन कौन है हेलोजन? सर एल माइनस, आर माइनस है, आई माइनस। देखो क्या सब पे माइनस वन चार्ज है? हाँ जी सर, सब पे सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी तो यार जो साइज है वो स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल है साइज, यहाँ पे आई माइनस चार्ज साइज ज्यादा बड़ी साइज है। हाँ जी, तो चार्ज क्या है सब पे सेम। एक कॉन्सेप्ट होता है, यहीं पे सुन लीजिए, यहीं पे सुन लीजिए बेटा, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज डेंसिटी। सर क्या होती है चार्ज डेंसिटी? कुछ नहीं, एक फॉर्म, एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज होता है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या चार्ज सब पे सेम है, माइनस वन माइनस वन, साइज सबसे बड़ी इसकी, और अगर यहाँ देखो साइज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लार्ज साइज है? क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हैज लो चार्ज डेंसिटी, इट हैज लो चार्ज डेंसिटी। हाँ, और क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इसकी तो साइज छोटी है? साइज छोटी है तो इट हैज हाई चार्ज डेंसिटी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चार्ज फैलावा सबसे बढ़िया रहता है। चार्ज जितना क्यूट होता है, चार्ज जितना ज्यादा फैल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो ये लो चार्ज डेंसिटी है, तो ये अच्छी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? आई माइनस की ज्यादा। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? आई माइनस की ज्यादा होती है। और अब हमें पता है अगर आई माइनस स्टेबल रहेगा, अगर मैं लीविंग ग्रुप भी पूछूं तो भी सबसे बेटर कौन रहेगा? आई माइनस ही रहेगा। अगर वो स्टेबल है तो वो लीव करना चाहेगा, लीव करना, समझे? क्या समझे? क्या समझे बेटा, समझे या नहीं समझे? इसकी क्या है? लो चार्ज डेंसिटी है। इसकी क्या है? हाई चार्ज डेंसिटी। लो चार्ज डेंसिटी, ये स्टेबल है, बेटर लिविंग है, तो बेटर लिविंग ग्रुप। अब मैं क्या करूं भाई, आज म्यूट जब है यार, एक सेकंड रुको। म्यूट ही हो रहा है क्या अब तो? रुक जा, एक सेकंड रुकिए। देखिए एक बार, क्या देखिए, अब बताइए एक बार, अब देखिए एक बार, अब देखिए एक बार, एक बार मैंने वापस से कनेक्ट कराया। अब सही है, बेटर है,
बेटर है, कॉलर से नहीं हो रहा है यार, म्यूट कॉलर से थोड़ी ना होता है भाई, म्यूट कॉलर से नहीं होता है वो, मैंने वापस से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कराया, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, मैंने भी एक बार चेक कर लिया, मैंने भी एक बार चेक कर लिया, ठीक है, चलो कोई नहीं यार, परफेक्ट है। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू करें, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, चकाचक हो गया, चकाचक हो गया, आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, मैं वापस से समझा दूँ, ये वापस से समझा। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन साइज, साइज ज़्यादा किसकी है, इसकी, चार्ज दो सब पे सेम है, माइनस वन माइनस वन, साइज इसकी ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है तो लो चार्ज डेंसिटी, लो चार्ज डेंसिटी अच्छी बात होती है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, लो चार्ज डेंसिटी हमेशा बढ़िया रहती है, और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कम है तो इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, आई माइनस बेटर लीविंग ग्रुप है, आई माइनस क्या है, बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है सर, ये चीज़ समझ, अब सुनना दें, अब आ जा सॉल्वेंट की, अब आ जाए सॉल्वेंट के, ठीक है, कितने तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, कितने तरीके के सॉल्वेंट होते हैं सर, दो तरीके के, मोटे मोटे अगर हम बात करें तो दो तरीके के आप लोगों के सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, एक कौन सा होता है, मोनोपोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है ना, जिसके एग्जांपल क्या हैं, एग्जांपल हैं, एग्जांपल बेंजीन, एग्जांपल क्या, और एक होता है पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे बेटा डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल, हमको क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट पढ़ना है, हमारे लिए रिएक्शन के लिए कौन फायदा है, सॉरी हमको कौन सा पढ़ना है, पोलर सॉल्वेंट पढ़ना, हमको कौन सा पढ़ना है बेटा, पोलर सॉल्वेंट पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए पोलर सॉल्वेंट सर कितने तरीके का होता है, सर पोलर सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, पोलर सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर प्रोटेक, एक होता है पोलर ए प्रोटेक, ठीक है, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, पोलर प्रोटेक का क्या है, पोलर प्रोटेक का क्या है, पोलर प्रोटेक वो है विच इन, पोलर प्रोटेक में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, पोलर प्रोटेक में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए पोलर प्रोटेक क्या होता है, पोलर प्रोटेक वो होता है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, अटैच्ड है, है ना, जिसमें क्या है आपका H प्लस रिलीज होता है, जिसमें क्या है बेटा आपका H प्लस रिलीज होता है, कैसे, जैसे इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल पता है क्या है, प्राइम एग्जाम्पल है एच, देखो ओ, यहाँ पे देखो एच, यहाँ पे देखो एच, अगर मैं बात करूँ ये हाइड्रोजन क्या एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, जो हाइड्रोजन है क्या ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एच प्लस की तरह रिलीज हो सकता है, ये आपका एच प्लस की तरह क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है पोलर प्रोटेक में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पोलर ए प्रोटेक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो हाइड्रोजन चाचा है, हाइड्रोजन चाचा है is not attached to highly electronegative atom, ये बेटा एक highly electronegative atom से attach नहीं है, highly electronegative atom से attach नहीं, इसमें polar aprotic में, ये example देख, इसके example देख, सबसे पहले example है d dimethyl sulfoxide, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सर इसका सर हमको स्ट्रक्चर भी बता दो, यहाँ पे देख दो मिथाइल बनाए, दो मिथाइल बनाए और ये सल्फर, तो यहाँ पे देख हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, क्या हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, हाँ, कार्बन की ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बहुत नॉर्मल से एटम के साथ अटैच्ड है, देख यहाँ पे किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ, यहाँ पे किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ, DMSO,
DMS हो सर। इसके और एग्जांपल, और एग्जांपल, और एग्जांपल है, इसके और एग्जांपल क्या है, DMA, DMA है, DMF है। तो यहाँ पे देख सर, DMA इसका नाम बताओ सर, डाइमिथाइल एसिटामाइड। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे देख इसका स्ट्रक्चर भी देखते हुए चलते हैं, स्ट्रक्चर भी देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे देख ऐसा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या है, ए प्रोटेक है। ये क्या है, ए प्रोटेक है। देख डीएमएफ, डीएमएफ सर इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे भी देखना हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देख हाइड्रोजन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं साथ अटैच है। देख कार्बन के साथ, यहाँ पे देख किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ। जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटेक बोलते हैं। जब वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, अगर नहीं है तो हम लोग ए प्रोटेक बोलेंगे, नहीं है तो हम लोग उसे ए प्रोटेक बोलेंगे। ठीक है सर, सॉल्वेंट के बारे में भी हमको कौन से पढ़ने हैं, पोलर। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, पोलर प्रोटेक बता दिया, पोलर ए प्रोटेक भी बता। अब यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियो। फिर मैं आपसे एकदम बेसिक डेफिनेशन पूछूं, आपसे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन का क्या है, आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देख यहां, अब देख यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यू, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बेटा अगर होगा तो स्ट्रांग रहेगा देन न्यू। सर ये तो सर पता था, अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा, ज्यादा डोनेशन करेगा, ज्यादा डोनेशन करेगा तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जैसे देख, देख इस वाले OH के पास भी लोन पेयर हैं, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन ये बोल रहा है अपन दो अपन गाड़ी हैं, पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो है। नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब बेटा पेन वेन छोड़ दो, अब कुछ ढंग की चीज आप लोगों की मदद, आई नीड योर होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अलोंग अ पीरियड, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, दोनों चीजें पढ़ेंगे, पीरियड की समझ ले मेरे साथ, ग्रुप की अपने आप, ग्रुप की अपने आप। ठीक है, ठीक है, आ जाओ ध्यान याद रखना। एक पीरियड में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पीरियड में मतलब आपसे कुछ वो आप मेरे को बता दें। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज, ऑक्सीजन क्लोरीन पे नेगेटिव, क्या सब पे चार्ज माइनस, क्या सब पे चार्ज माइनस वन, माइनस सबसे छोटी साइज, सबसे छोटी है इसकी ना एफ टू राइट। जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है, इट हैज स्मॉलेस्ट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो बेटा हल्ला पड़ा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इट हैज स्मॉल, और इसकी मैं क्या बोल सकता हूं कि इट हैज लार्ज साइज, क्या मैं ये बोल सकता हूं, नहीं एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए,
जी भैया जी, पर देखिए एक बार देखिए, अब एक बार देखिए, अब एक बार देखिए, अब एक बार देखिए, देखिए एक बार, सही है। और ऊपर कॉलर पर लगा देते हैं, तो लगा रहे थे कुछ। जैसा तुम बोलो बेटा वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ लगा दिया, चलो कॉलर पे। और बोलो, और बोलो, ठीक है। ठीक है, अभी तो ठीक है, सही बात है सर, अभी तो ठीक ही है सर, है अभी तो आप पढ़ाओ फिर देखेंगे, है ना। चलो पढ़ाता हूँ मैं ना, आ जाओ। हाँ दोबारा बता दूँ, दोबारा बता देता हूँ, देखो राउंड अ पीरियड हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बात करने वाले। माइक डैमेज है, डैमेज है, क्लास के बाद, सेकेंड क्लास के बाद अभी चलने, अभी चलने, ठीक है। मैं वापस से बता, देखो हम लोग बेटा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या कर रहे हैं, अरे वो चर्चा कर राउंड अप, सब पे चार्ज क्या है, लेफ्ट टू राइट है, जब ऑल साइड, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाई चार्ज डेंसिटी नहीं चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी को फंडा समझाया था, साइज का सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज, तो मैं ये बोल दूंगा कि इट हैज लो चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक किसी को नहीं सर, यहाँ तक किसी को फिर गायब हो गई, चलो ठीक है फिर रहने दीजिए, क्लास बंद करते हैं, चलो कोई नहीं कोई नहीं, क्या करें बेटा क्या करें बेटा, चलिए अपन दादा एक सेकंड, चलो मैं कॉल लगा देता हूँ, रुक जाओ आपके सामने कॉल लगा देता हूँ, कोई लोड नहीं, सेकंड टीम को कॉल लगा देता, भाई साहब भी बिजी, एक सेकेंड कॉल लगा देते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बातें होते हैं। अरे उससे कुछ नहीं होगा, टी शर्ट पे लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, उससे कुछ, यार एक, अच्छा आप अभी लाइन पर हो, ठीक है एक बार देखो पढ़ाएं, लाइन पर रहना ना, ठीक है देखो, चलो अब बोला है कि डेमो लेते हैं एक बार, है ना, वो चेक कर रहा है पीछे से, ठीक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर वापस से इशू आता है तो फिर अपन उसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अलॉन्ग अ पीरियड हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है फ्लोरीन की स्मॉलेस्ट साइज, साइज छोटी तो हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसकी साइज क्या है, ज्यादा है, इसकी साइज ज्यादा है तो इसकी लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए दो तरीके के आपके पास सॉल्वेंट है, बड़े ध्यान,
यहीं पे मजे वाली चीज है बेटा, यहीं पे मजे वाली चीज है। एक है बेटा आपका पोलर प्रोटिक, ठीक है, और एक है आपका पोलर ए प्रोटिक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पोलर प्रोटिक है जो, क्या वो एच प्लस रिलीज करता है? क्या वो एच प्लस रिलीज करता है? बिल्कुल करता है, वो एच प्लस रिलीज करता है, बिल्कुल करता है। और जो पोलर ए प्रोटेक है ये डज नॉट रिलीज एच, डज नॉट रिलीज एच। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, है ना, अगर ये एच प्लस रिलीज, देखो पोलर प्रोटेक के बारे में ट्रेंड लिखते हैं, अब पोलर प्रोटेक का ट्रेंड लिखते हैं। अगर एच प्लस रिलीज कर रहा है तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है? हाँ, तो भाई साहब इसको एच प्लस घेर लेगा ना, मुझे बताइए क्या इसको एच प्लस घेर लेगा? बहुत जबरदस्त घेर लेगा। यहाँ पे H+ का क्या आ जाएगा? पूरा जमावड़ा आ जाएगा, बहुत सारे H+ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और अब अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इधर H+ ने क्या कर रहा, बहुत घेर लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? फ्लोरीन का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्या इसको H+ ने बहुत जबरदस्त तरीके से घेर लिया? हाँ, तो क्या फ्लोरीन डोनेट कर पाएगा? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे लो चार्ज डेंसिटी है, यहां पे लो चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पे H+ घेरेगा नहीं, H+ नहीं घेरेगा, तो यहां पे ये डोनेट अच्छे से कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो क्या ऑर्डर दिख रहा है? क्या ऑर्डर दिख रहा है? ये दिख रहा है CH3- सबसे ज्यादा, देन NH2-, देन आपका OH-, देन आपका F-। लेकिन पोलर ए प्रोटिक में ऐसा कुछ नहीं है, कोई H+ है ही नहीं, डज नॉट रिलीज H+। तो गणित है पोलर ए प्रोटिक में, क्या यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये रिलीज भी ज्यादा करेगा? अरे यहाँ पे H+ आया ही नहीं ना, इस वाले केस में थोड़ी ना आया H+, इस वाले केस में H+ आया ही नहीं, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा? F- पे ज्यादा, तो रिलीज भी कौन करेगा बेटा? F- करेगा। बोला है ना, यहाँ पोलर प्रोटिक में कौन आया? H+ आया, H+ के चक्कर में इसने घेर लिया, ऐसे घेर लिया, तो ये डोनेट नहीं, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो। देखा क्या यार, कोई सही यार, अब यही है ना बात, तुम्हें कॉल कर लिया तो वो सही हो गई, लेकिन तुम थोड़ा सा पहले देखो, थोड़ा सा पहले ये इशू आ रहा है। किसे किसे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है, अभी तो मेरे हिसाब से वॉइस सही आ रही है ना, हाँ अच्छा, अगर होता है तो करता हूँ एक बार फिर भी, आप इसको थोड़ा सा क्लास को मॉनिटर करवाएं। चलो चलो, अब देखो ये फंडा सर थोड़ा सा समझ में आया, सेम फंडा वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना जो बच्चे बोल रहे हैं रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलोंग ग्रुप आ जाओ, अलोंग ग्रुप आ जाओ, सेम चीज है। कैसे सर? ग्रुप में किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? सर ग्रुप में किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? जैसे सपोज कर एफ माइनस है, जैसे सपोज कर सी एल माइनस, ध्यान से ये अलोंग ग्रुप देख लिया मैंने, क्या ये मैंने अलोंग ग्रुप देख लिया? अरे रुक जा, कोई बात नहीं, वॉइस को छोड़ो, ध्यान यहाँ लगाओ, वॉइस को छोड़ो, ध्यान ना लगाओ, मैं पूरी चीज रिपीट कर रहा हूँ। क्या मैंने अलोंग ग्रुप देख लिया? हाँ जी सर। मुझे ये बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लो साइज है? मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोक देना बेटा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी लो साइज है? हाँ। क्या आयोडीन की मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लार्ज साइज है? लो साइज नहीं, स्मॉल साइज है, वर्ड तो ढंग है ना। यहाँ पे क्या है बेटा? स्मॉल साइज है, हाँ जी। यहाँ पे क्या है बेटा? लार्ज साइज है, हाँ। देख चार्ज सब पे माइनस वन है, तो अगर यहाँ साइज, क्या मैं ये बोल सकता हूँ हाई चार्ज डेंसिटी? मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? लार्ज साइज है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दो चार्ज डेंसिटी? मेरे को बताओ, इतना समझ में आया है? इतना समझ में आया है? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसकी छोटी साइज है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसकी बड़ी साइज है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम। यहां पे देख, अब आपको कंफ्यूजन कहां है? अब आपको यही तो कंफ्यूजन है, पोलर प्रोटिक में क्या होता है, पोलर ए प्रोटिक में क्या होता है? तो मैंने लिख दिया, अब सुन ध्यान से, पोलर प्रोटिक के बारे में चर्चा करते हैं पहले। पोलर प्रोटिक में कौन आएगा? H+।
आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। अब बता H प्लस किसको घेरेगा? H प्लस किसको घेरेगा? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो वो घेर लेगा। इसको H प्लस ने घेर लिया, घेर लिया, घेर लिया। तो अब ये बताओ, ये क्या ये डोनेशन कर पाएगा? ये डोनेशन कर पाएगा? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो F माइनस कम हो गया, यार माइनस। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। लेकिन पोलर ए प्रोटिक में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा है। एच प्लस आ रहा है क्या? एच प्लस आ ही नहीं रहा है। तो ये बोल रहा है हम पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हम ही तो ज्यादा डोनेट करेंगे। एच प्लस आया ही नहीं, हमको घेरा ही नहीं। सर ए प्रोटिक में एच प्लस आया ही नहीं, ये बोल रहा है हमारे पास ही तो है चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हम ही तो डोनेट करेंगे ज्यादा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। ये लो माइन, आई माइन। बोला हाँ या ना? अब आया समझ में, अब आया समझ में, अब आया ना समझ में। अब बैठी खोपड़ी में बात, अब बैठी खोपड़ी में बात, अब बैठी खोपड़ी में बात। हाँ सर, अब चीज समझ में आई, अब चीज। हे हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल, क्या एक बार बेटा दिल बना दो चैट सेक्शन में, एक बार थम्सअप दे दो चैट सेक्शन में कि हाँ जी सर, है ना। अब आया है रंग समझ के, है ना। रंग, रंग जो खिला है बेटा, रंग जो खिला है वो अब खिला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये चीज हो, अब यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक स्ट्रेंथ। ऐसा है, ये है तो उसको रही है, यहाँ पे ये ओ माइनस है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो ये सी एस, तो यहाँ पे देख क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही है, क्या यहाँ पे आपको स्टेरिक ज्यादा दिख रहा है? हाँ, स्टेरिक ज्यादा दिख रहा है तो डोनेशन मुश्किल, डोनेशन मुश्किल रहेगा। स्टेरिक है ना, भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ है, यहाँ पे स्टेरिक है नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? इसकी। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मुझे यस 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 लिख दीजिए चैट सेक्शन पर, मुझे थम्स अप दे दीजिए। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। एसएन वन एसएन टू की तरफ बढ़े, बताइए। एसएन वन एसएन टू की तरफ बढ़े, बताइए। दो तरीके की बेटा मेजरली, मेजरली बेटा दो तरीके की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेजरली दो तरीके की होती है न्यूक्लियोफिलिक, एसएन वन और एसएन टू। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वन क्या होता है। सबसे पहली बात ये समझ, वन इज स्टेप अप प्रोसेस। कैसे? वन इज अ टू स्टेप। यहाँ पे सुनिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये था आपका रिएक्टेंट आर और एल, ये था ना आपका रिएक्टेंट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आर और एल के बीच बंध है, जो बॉन्ड है बेटा, और टूटता है तो ये R प्लस एल माइनस। सबसे पहले स्टेप में दोनों के बीच जो संबंध है वो टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा कार्बोकैटायन। सबसे पहली बात ये समझे कि SN1 में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन होता है बेटा, कार्बोकैटायन। वो कौन सा होता है बेटा, कार्बोकैटायन। बिल्कुल सही। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, अब ये बेटा अपने नए संबंध होता है किस है, न्यूक्लियोफाइल के साथ है, आर एन। न्यूक्लियोफाइल आपका प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन है बेटा, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नया बॉन्ड बना लेता है, और क्या बना लेता है, आर एन यू बन। ठीक है, तो कितने स्टेप हुए, दो स्टेप। एस एन वन में सबसे पहली बात क्या है बेटा, दो स्टेप होते हैं। ठीक है, जो आपकी पहली स्टेप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर डी एस बोलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, आर डी एस होता है। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप। तब रेट किस पे डिपेंड करती है, आपके पहले स्टेप पे डिपेंड। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आप में से पूछो, रेट डिटरमाइनिंग, क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा RDS।
पहला स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जो आपका SN1 है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यहाँ पे देखो लिख रखा है, सबसे पहले RDS इज व्हाट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, बोल हाँ या ना। RDS क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, RDS इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। रेट क्या रहेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सत्य कौन है, कार्बोकैटायन है, तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो रेट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे यार SN1 है इसके रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहता है, क्या रहता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव डिग्री, देन 1 डिग्री, सही है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा स्टेबल, इंटरमीडिएट स्टेबल तो रिएक्टिविटी ज्यादा। SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आता है, SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हमें ये पता है कि यार कार्बोकैटायन जब जब बनता है तब तब क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट, सही बात है। रीअरेंजमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप देखिए, रेट इक्वल्स टू के इंटू आर एल, ठीक है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे आप ध्यान से आपका RDS है, RDS पहला स्टेप है, हाँ, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ RL प्रेजेंट है, ध्यान से देख, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ RL प्रेजेंट है, हाँ, तो रेट किस RDS, और RDS में कौन है, सिर्फ और सिर्फ RL, क्या लिखा है, रेट इक्वल टू के इंटू आर एल, ये तो कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ो, के इंटू आर एल, और यहाँ पे RL की पावर क्या है, 1, यहाँ पे RL की पावर क्या है बेटा, 1, यहाँ पे RL की पावर क्या है बेटा, 1। अभी इधर ये जो 1 है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। अभी ये जो SN1 है, 1 में 1 क्या है बेटा, ऑर्डर है, SN1 में 1 क्या है बेटा, ऑर्डर है, हाँ बिल्कुल ऑर्डर 1 है। तो इसको हम लोग और एक और शब्द से क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखो क्या रेट में न्यूक्लियोफाइल आया, क्या नहीं कहा है, तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, तो फैलाया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन आया, रिएक्टेंट आया। और कौन से सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर होता है। अब यहां स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 तो समझिए, ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे, सपोज कर ये आप लोगों का कोई सा भी का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे सी, सपोज करें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लेता हूँ OH, बिल्कुल ठीक। ये मैंने क्या लिया है, काइरल कार्बन लिया है, SN1 करवाना चाह रहा हूँ। SN1 में कितने स्टेप, 2 स्टेप। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन बनता, यहाँ से OH निकलेगा, हाँ, और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ध्यान से देख, क्या ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा, देख पे आ गया पॉजिटिव। अब देख ये है C, जो बीच वाला है ये मैंने क्या ले लिया, C ले लिया। ऊपर क्या है, C, लेफ्ट में क्या है, CH5, नीचे क्या है, H, क्या ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ऊपर CH3, नीचे CH5, इधर, और यहाँ पे देखो मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, OH तो बाहर निकल गया, हाँ जी सर। और यहाँ पे क्या है, ये है एम्प्टी ऑर्बिटल, कार्बोकैटायन के पास बेटा क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल ठीक। कार्बोकैटायन के पास क्या है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब देखिएगा इस चीज, जो आपका कार्बोकैटायन होता है ना वो एक प्लेनर कंपाउंड होता है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज कर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, बस क्या है बेटा, चॉइस है, तो मेरे पास और कुछ नहीं है, अपने फोन का इस्तेमाल करूंगा। अब इसको ये मत समझना सर तो फ्लेक्स कर सकता हूँ लेकिन फ्लेक्स कर नहीं रहा हूँ। ये जो आपका कार्बोकैटायन है प्लेनर स्पीशीज का है, तो ये आपका कार्बोकैटायन है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बेटा ऊपर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल बेटा नीचे से भी आ सकता है,
बेटा है ये आपका ऊपर भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? आपका जो कार्बोकैटायन है इट इज अ प्लेनर स्पीशीज, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो भाई साहब के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, चॉइस है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इतने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो न्यूक्लियोफाइल ने नीचे से अटैक करा तो पता है ये क्या बनाता है, नीचे से अटैक करा तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया नीचे, हाँ जी सर, यहाँ आ गया C2H5, यहाँ आ गया आपका CH, और यहाँ पे आ गया H, और न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का ऊपर से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो ऊपर जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ गया CH सही, यहाँ आ गया C2H5। कितने कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन बन। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं दो बनते हैं, जैसे सपोज करो ये R है तो ये क्या बनेगा, S बनेगा, यहाँ पे ये S है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, R बनेगा, और बराबर बराबर बनते हैं। जैसे इसका 50% बनता है, इसका भी कितना बनता है, 50% बनता है, लेकिन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है। बिल्कुल सही, इस ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिमिक। क्या बनता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब अगर एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, एक S बनेगा दूसरा R बनेगा, समझे, 50-50% बनते हैं। तो क्या बनता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। ये क्यों हुआ, ये समझ में आया, क्योंकि कार्बोकैटायन आपका प्लेनर है, प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शंस हैं कि भाई साहब को ऊपर से भी अटैक कर लेते हैं, भाई साहब के नीचे से भी अटैक कर लेते हैं। दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, दो चीजें निकल के आती हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ये आ गया, ठीक है सर, ये आ गया, ठीक है सर, ये। अब यहाँ पे देखिए, अब SN2 समझिए, SN2 समझिए, यहाँ पे देखो बेटा SN2 समझो, SN2 सबसे पहली बात तो इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि SN2 इज अ वन स्टेप प्रोसेस, दो स्टेप नहीं होते, सिंगल स्टेप होता है। सर कैसे होता है यहाँ पे बताइए, सर कैसे होता है यहाँ पे बताइए। जैसे सपोज कर ये है आपका सपोज करो कोई सा ले लेते हैं हम लोग Cl- लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये मैंने ले लिया, रिएक्शन करा रहा है CH3OH, देखना यहाँ रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा काम। तब ये जो क्लोरीन है कार्बन पे अटैक करता है और OH यहाँ से टूटना स्टार्ट होता है, एक साथ होता है ये काम। मतलब यहाँ पे देखना, समझना, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दे, मैंने क्या कर दिया, डॉट बनाया, डॉट मतलब पार्शियल बॉन्ड। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटते हुए जाता है। तो यहाँ पे देख, क्लोरीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, BF क्या होता है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ज़्यादा फरवरी के महीने का उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, 5 मई के लिए उत्साहित रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो OH है बेटा ये कार्बन को छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, BB हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, BB हो जाती है। सर BB क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। मतलब एक क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। और अल्टीमेटली बेटा क्या होगा, बेटा बताओ बेटा, इस दुनिया में क्या होता है, अल्टीमेटली BF भी पूरा हो जाएगा, BB भी पूरी हो जाएगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन भी पूरा हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेकिंग भी पूरी हो जाएगी। बॉन्ड फॉर्म पूरा हो गया तो कार्बन के साथ बन गया और OH बेटा बाहर निकल गया, तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं है ये, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यार यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, देखो कार्बन क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में चल रहा है, हाँ। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो कार्बन भैया है इन हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ये देखो ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन,
सर ये भी तो बॉन्ड है, ये चार बॉन्ड, ये तो बॉन्ड है, ये पांच, हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं, sp3d गलत है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? sp2 होती है। सर क्यों सर, sp2 क्यों? क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट बॉन्ड देखने होते हैं। ये वाला कंप्लीट बॉन्ड है, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट, इन्हीं बॉन्ड गिनते हो यार। ये तो पार्शियल बॉन्ड है ना, पूरा थोड़ी ना बना है, और ये भी पार्शियल बॉन्ड है, पूरा नहीं टूटा है, तभी तो डॉट 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 करके बना है। कंप्लीट बॉन्ड देखने होते हैं तभी ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या बनती है? sp2 बनती है तीन बॉन्ड के साथ, एक दो और तीन, है ना। तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, सबसे पहली बात तो यहां पे देखिए, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या है? सिंगल सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो यहां पे आप देखो, ये न्यूक्लियोफाइल भी है, हाँ। यहां पे आप देखो, ये रिएक्टेंट भी है, हाँ सर। रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, अभी देखो दिख रखा है, रेट दोनों पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पे भी कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे भी कर रही है। यहां पे भी बेटा क्या आया? वन आया। यहां पे भी बेटा क्या आया? वन आया। ये बेटा के ऑर्डर को हम लोग दो बोलते हैं, तभी इसके ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दो बोलते हैं। देखो ना, यहां पे भी वन आया, यहां पे भी वन आया, तभी इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? टू हो गया। और इसको हम लोग प्यार से बेटा क्या बोलते हैं? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम लोग प्यार से बेटा क्या बोलते हैं? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सही। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, रेट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर ए प्रोटेक, पोलर ए प्रोटेक। और यहां दे रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधी सीधी बात, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अगर यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? तो स्टेरिक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं हुआ? तो स्टेरिक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? अगर कोई रिएक्टिविटी SN2 की किसकी ज्यादा होती है बेटा? 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, देन 2 देन 3 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में बहुत जबरदस्त स्टेरिक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है सर। अब यहां देख, इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री है, हाँ। कैसे? एक सेम रिएक्शन ले लेता हूं तो आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से फीड हो जाएगी। देखिए यहां पे सुनिएगा ध्यान से, जैसे सपोज कर एक है आपका सी, ठीक है, या फिर इसको ऐसे थोड़ा सा और खिला खिला बनाते हैं, क्या खिला सर, क्या खिला खिला, थोड़ा ये जो बगीचा है बेटा, ये जो बगीचा है थोड़ा सा खिला खिला कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना। अब यहां पे सपोज कर आपका न्यूक्लियोफाइल आया Cl-, एक बात ध्यान से समझ, अब एक बात ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या होता है यहां पे आप ध्यान से देखो, तो यहां पे देखो क्या ये OH है, क्या यहां पे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं यार, यहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और Cl- में इलेक्ट्रॉन, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, बिल्कुल। क्लोरीन है, अटैक करता है, लेकिन सामने से अटैक नहीं करता, क्यों? क्योंकि रिपल्शन हो जाता है। तो भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब बेटा गड्डी उठाते हैं, कहां से अटैक करते हैं? पिच्छू से अटैक, भाई साहब आगे से अटैक नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इस OH के साथ क्या आ जाता है, रिपल्शन आ जाता है। कहां से अटैक करते हैं? पिच्छू से अटैक करते हैं, और पिच्छू से अटैक करते हैं क्या बना लेते हैं, जाते हैं जुड़, ये बन जाते हैं OH माइनस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन कहाँ थे बेटा? लेफ्ट में। अब हाइड्रोजन कहाँ गए बेटा? राइट में। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्जन। किसने निकाला ये? वाल्डन चाचा ने, वाल्डन, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वाल्डन इनवर्जन बोल, वाल्डन चाचा ने निकाला तो उसको वाल्डन इनवर्जन, सही है। ठीक है, अब यहां देख,
अब देखो अब कुछ रिएक्शन दे रही है, अगर आप एनसीईआरटी में भी ओपन करोगे, जैसे देखो मैं एनसीईआरटी का स्नैप भी लेके आया हूँ, एनसीईआरटी का स्नैप, एनसीईआरटी में क्या कर रखी है, कुछ रिएक्शन दे रखी है। सर क्या रिएक्शन दे, सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है एनएओएच या फिर केओएच के साथ। देखो अगर आपका एनएओएच आएगा कैसे टूटेगा, सर ये टूटेगा एनए प्लस ओएच माइनस में, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है। हाँ बाबू केओएच के साथ भी सेम है, बाबू केओएच के साथ भी सेम है, क्या बाबू केओएच में भी ओएच माइनस न्यूक्लियोफाइल है, क्या ओएच माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अरे है बिल्कुल है। अच्छा यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन होती है किसके साथ, एनएओएच या केओएच के साथ, कौन सी रिएक्शन होती है, एसएन2 होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एसएन2 होती है। सर इसका मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे सपोज कर, जैसे सपोज एच विद्रोटेट रिएक्शन कर, इन अटैक होगा, क्या होगा, यहां से सीएल बाहर निकलेगा बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन है ना, बाहर जाएगा उसकी जगह ओएच आएगा, लेकिन अटैक कहां से होगा, यहां क्लोरीन कहां है, राइट साइड है, तो लेकिन जब ऐड होगा तो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ऐड, हाँ लेफ्ट साइड ऐड हो, समझे, क्यों SN2, क्यों वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन, क्या समझे, समझे। अच्छा अब यहाँ देख रिएक्शन विद H2O, अब H2O क्या करता है, H2O करता है आपका S, यहाँ पे समझना SN1 अब कैसे होगा, अब SN1 में हमें पता है क्या होता है, दो स्टेप है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, देख अब सुन, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्यों का जवाब दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ बेटा, तुम्हारे क्यों का जवाब दे रहा हूँ, पहले एक बार यहाँ देखो ना, यहाँ देखिए, जैसे सपोज करिए पानी का रिएक्शन है, पानी का रिएक्शन आया तो मुझे पता है पानी क्या करता है, SN1 करता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले इस क्लोरीन को निकाल, पहले क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन, देख अब मैंने बेटा डायरेक्ट नहीं जोड़ा, पहले मैंने कार्बोकैटायन जब बनेगा तब मैं रीअरेंजमेंट के बारे में सोचूंगा, क्या इस हाइड्राइड को शिफ्ट करा दूं, हाइड्राइड को शिफ्ट कराऊंगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, क्या ये बनेगा, देख हाइड्राइड का शिफ्ट कराया तो क्या ये 3 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे अटैक किसका है, पानी का, पानी से क्या आएगा बेटा, ओएच आएगा, आएगा जुड़ जाएगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि यार कौन SN1 करवा रहा है, कौन SN2 करवा रहा है। देखो अगर मैं आपको बताऊं डॉरेटी रिएक्शन, मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे दूंगा, मैं आपकी पूरी लिस्ट दे दूंगा यहाँ पे देखो, लेकिन मेजॉरिटी रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये SN1 कैसे करवा रही है और ये SN2, यहाँ पे बेटा OH माइनस आयन है, क्या OH माइनस आयन एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, हाँ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, क्या मैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करवाएगा, SN2 कर। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि H2O है, H2O क्या है बेटा, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या है एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो बोल सकता हूँ इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मैं क्या बोलूंगा कि SN1 करवाए, SN1 करवाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट दे रखी है, देखिए ध्यान से पूरी लिस्ट दे रखी है, जैसे देख NaOH या KOH, SN, पानी, ये देख SN, SN2, अब देख SN1 कहाँ पे है, देख बहुत गिनती के हैं SN1, बाकी सारे SN2, यहाँ पे देख ये SN1 है अमोनिया के साथ, ये है मतलब नाइट्रोजन वाले, ये देख जो तीनों नाइट्रोजन वाले हैं, जो तीनों नाइट्रोजन वाले हैं ये SN1 है और एक पानी SN1,
ठीक है, बाकी सारे क्या है SN, बाकी सारे क्या है SN2 है। रुक जाओ अभी और रिएक्शन करवाता हूँ आपको, देखो बाकी सारे क्या है SN2 है, SN2 है। रुक जाओ अभी देखो और रिएक्शन देखो, पहले एक बार ये सुनो सुनो, NCERT में और रिएक्शन दे रखी है, कौन से दे रखी है, बोल रहा है रिएक्शन विद NaCN और KCN। अब इसको समझिएगा, समझिएगा अगर आपने NaCN सेम KCN के साथ है, मैंने NaCN का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, सेम पोटेशियम वाले के साथ भी सेम फंड। सबसे पहली बात अगर यार ये बॉन्ड तोड़ेगा कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा Na प्लस और बताओ आया ना, हाँ सर क्या बन गया साइनाइड बन गया, क्या बन गया साइनाइड बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात डोनर एटम कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो साइनाइड है डोनर एटम कौन होता है कार्बन, फिर डोनर एटम बेटा कौन होता है कार्बन होता है, तब अटैक किस से होता है कार्बन के अटैक होता है। ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको रिएक्शन करवाऊँ आप अगर तो हमें एक बार रिएक्शन करके बताओ, यहाँ देख, यहाँ देख प्रॉपर मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ, एक अगर आप लोग मेरे से पूरी रिएक्शन बोलोगे तो रिएक्शन यहाँ पे बहुत इजी है, बट रिएक्शन बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि अटैक कहाँ से है, अटैक कहाँ से होगा कार्बन की एंड से अटैक होगा। यहाँ पे जैसे सब ये ले लिया, ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या डाला NaCN, अब अटैक कहाँ से होगा कार्बन की एंड से, अटैक कहाँ से होगा कार्बन की एंड से, क्या होगा निकलेगा बेटा ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा और क्या जुड़ेगा साइनाइड, तो देख ठीक क्या बन गए, क्या बन गए साइनाइड। लेकिन अगर उधर ही बेटा AgCN है, अब सुनना ध्यान से, क्या होता है एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, AgCN is covalent compound. अब यहाँ पे अगर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊं तो ये ऐसे होता है AgCN। अब मुझे बताओ क्या कार्बन डोनेट कर सकता है क्या, नहीं, कार्बन के तो चारों बॉन्ड फिक्स हो गए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है क्या, कार्बन के तो चारों बॉन्ड फिक्स हो गए, तो अटैक कहाँ से होता है, अटैक होता है नाइट्रोजन का, डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन, क्या बनेगा देख यहाँ पे क्या बनेगा, क्या है क्या आपने डाला Ag, क्या होगा बाहर निकलेगा आपका क्लोरीन, लेकिन इस बार अटैक वुड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड, अटैक वुड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड, नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनाएगा H3NC बनेगा, देख जुड़ा कौन है, जुड़ा कौन है नाइट्रोजन, जुड़ा कौन है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है समझे, ठीक है अब जैसे यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख रिएक्शन विद NaNO2 और KNO2 फंडा है, जैसे पूछ कर KNO2 ले, पूछ कर KN कैसे टूटेगा सर, K प्लस और NO2 माइनस, अब जरा NO2 माइनस को देख, NO2 माइनस को देख, NO2 माइनस ऐसा दिखता है, NO2 माइनस ऐसा दिखता है, डोनर एटम कौन होगा, यही सारी लड़ाई है एटम कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बोल रहा है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डोनर एटम कौन है बेटा वाला ऑक्सीजन, तो बॉन्ड कहाँ से जुड़ेगा, जैसे सपोज सर आपका ये है इसी आपने डाला KNO2, तो बॉन्ड कहाँ से जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, होगा वो ही कि यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, लेकिन बॉन्ड कहाँ से जुड़ेगा ONO, मतलब जुड़ेगा कहां से इस ऑक्सीजन से, ये जुड़ जाए देखो इस ऑक्सीजन से जुड़ा, इस ऑक्सीजन से जुड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा नाइट्राइड,
क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइट कंपाउंड, ओ एन ओ बन गया, ओ एन ओ बन गया। और अगर उधर ही बेटा ए जी एन ओ टू है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ए जी एन ओ टू क्या है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख यार, स्ट्रक्चर देख, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जूम कर देते हैं बेटा। अब सारी लड़ाई क्या है, डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन देगा या नाइट्रोजन। देख लोन पेयर तो सबके पास है, बस लोन। अब यहाँ पे कौन सा फंडा चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तब डोनर एटम कौन बनता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सही बात है जी, ये बात सुनी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंस है ना। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, तो डोनेट नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो रखना चाहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और ये बोल रहा है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यार, नेट कर देते हैं, नेट कर देते हैं, ये डोनेट करता है। तो डोनेट कौन बनता है, कौन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। कहाँ का, नाइट्रोजन से, सी एच यहाँ पे आया आपका ए जी, कौन करेगा, नाइट्रोजन का होगा बेटा, वो ही क्लोरीन बाहर निकले, यहाँ पे क्या बनाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, नो टू बने, यहाँ पे क्या बन गए, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो कंपाउंड, प्रो एल, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रो एल्केन्स, क्या समझे बताइए बताइए, समझे क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद बेटा हम लोग एलिमिनेशन पढ़े। ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ाई थी, पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, इन कोई टेंशन की बात नहीं है, वापस पढ़े हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ रखी, कोई नहीं। अभी यहाँ पे नामकरण होगा, मतलब जैसे E1 और E2 करें, SN1 SN2 होता था ना, वैसे बेटा E1 और E2 आएगा है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या है ना, देखो आप लोगों की सारी डिमांड पूरी करी जाए, लेकिन आप लोग बेटा रेगुलरिटी के साथ क्लास में आए, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दूँ ऑर्गेनिक, मेरे को एक दो लेक्चर और लेने। तो आप लोग 11th की ऑर्गेनिक रिवाइज करते हैं, कभी भी बेटा मैं क्विज अनाउंस कर दूँगा, मेगा प्रैक्टिस सेशन अनाउंस कर दूंगा 11th की ऑर्गेनिक, 11th की ऑर्गेनिक आप लोग रिवाइज करके। तो और मेरा तो मन है कि इस, मेरा तो पूरा मन है कि ठीक आप लोगों को प्रैक्टिस कर 2-3 घंटे पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल ही सवाल, लेकिन रिविजन करके रखें, ठीक है। कभी भी बेटा अनाउंस कर दूंगा, कभी भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है ठीक है। सर NaNO2 में भी NO2 है, एक बार चेक कर लो, NO2 में भी तो NO2 ही लिखा है। हाँ अरे पर अटैक कहाँ से होता है, ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आइए, ठीक है। बोर्ड स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दिस सेशन, यस यस, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो। सबसे पहले बेटा एक बार हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलना चाह रहे हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ से एक हैलोजन जाता है और हाइड्रोजन यहां से या यहां से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। यहां से या यहां से कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। हैलोजन यहां से जाता है,
हेलोजन यहाँ से जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या बनती है? एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है। तो सपोज कर, सुन, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ है इसको बोल दे अल्फा, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ है इसको बोल दे अल्फा। इस अल्फा के बाजू वाले कार्बन, ये और ये दो बीटा हैं, तो एक को बोलते बीटा वन, एक को बोलते बीटा टू। अब अगर मैं अल्फा और बीटा वन करूं, मतलब अल्फा से हेलोजन, बीटा वन से हाइड्रोजन, तो आपका जो एल्कीन बनेगा क्या कुछ तरीके का बनेगा, क्या कुछ इस तरीके का बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। हाँ, और अगर मैं अल्फा और बीटा टू करूं, अल्फा और बीटा टू करूं, तो कुछ का बनेगा, तरीके का बनेगा। वॉइस खराब हो गई क्या? सही तो है, सही तो है बेटा, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या रहता है? मेजर, क्योंकि दिस इज मूवेबल। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेट्स है। थोड़ी सी अटक रही है ना, थोड़ी सी अटक रही है, थोड़ी सी अटक रही है, क्या करें बेटा इसको? क्या करें बेटा इसको? बताइए, बताइए, सही है, सही है या नहीं है? हो जाएगा काम? अब बेटा इसके बाद ही करेंगे यार, इसके बाद ही ठीक करवाएंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में बात कर रखी है, ठीक है। रिएजेंट क्या होता है बेटा? बेस। अब सबसे पहली बात तो सवाल ही उठता है कि रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। तो रिएजेंट क्या हो सकता है? एल्कोहलिक KOH हो सकता है, NaNH2। क्या बोलते हैं बेटा NaNH2 को? क्या बोलते हैं बेटा NaNH2 को? NaNH2 को बोलते हैं बेटा सोडा अमाइड। NaNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सोडा अमाइड। या हो सकता है RO-ROH, या बोलते हैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी होता है। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है? बल्की ग्रुप बेटा, बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर जैसे आपने पढ़ाया दो का होता है, ठीक है, यहाँ पे सर क्या एलिमिनेशन भी दो तरीके का है? हाँ, कौन कौन सा? E1 और E2। अब वहां पे SN1 क्या था? 2। यहाँ पे भी E1 क्या रहेगा? 2 स्टेप। यहाँ पे भी E1 क्या रहेगा? 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा, सही है। अब सर कैसे, सर कैसे? अब ये बात है कैसे, इंटरमीडिएट देखिए, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज कर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, पहला स्टेप क्या रहेगा भाई? 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 में पहला स्टेप क्या था? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, यहां से क्लोरीन बाहर। और पहला स्टेप ही क्या था? RDS। पहला स्टेप क्या था? RDS। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। एक ये बन गया कार्बो, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? आपका हाइड्रोजन बाहर निकले। दूसरे स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, डी हाइड्रोहेलोजनेशन है ना, तो पहले निकल गया। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो दो प्रोडक्ट होंगे, दो प्रोडक्ट ये बनेगा, फिर सही है, सही है। क्या पहला स्टेप, क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया है?
पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना है, आपका SN1 में होता था, दूसरे स्टेप में आपकी एल्कीन बनी है, ये मेजर रहेगी, ऊपर वाली मेजर ZF, ये माइनर। अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछो तो आप देखो, क्या देखो, क्या ये भी आपको यूनिमोलिकुलर दिख रही है, यहाँ पे देख RDS क्या है, पहला स्टेप, और पहले स्टेप सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, तो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन रिएक्टेंट, बेस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यूनिमोलिकुलर है, इसको भी बोल दूं यूनिमोलिकुलर, इसको भी बोल दूं यूनिमोलिकुलर, ये बोल दें यूनिमोलिकुलर, बिल्कुल सही है। RDS क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, RDS इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट लेना, रीअरेंजमेंट देख लेना, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ज्यादा रेट ऑफ, सही है सही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अगर कोई पूछे E1 की रेट क्या होगी, 3 डिग्री बोलिए हाँ यार, बोलिए हाँ यार, सही है। तो E1 की रेट भी यही हो जाएगी, SN1 की भी ये थी, E1 की भी ये है, SN1 की भी ये थी, E1 की भी। अब आ जा E2, कितने स्टेप प्रोसेस होगा, सर ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस। अब यहाँ देखना बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे सब ध्यान से, यहाँ मैंने दिखा दिया हेटरो, यहाँ मैंने दिखा सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो अटैक कौन करता है, OH माइनस आयन अटैक करता है, OH माइनस आयन, देख OH माइनस हाइड्रोजन को बोलता है, इस हाइड्रोजन को बोलता है चलो हमारे साथ चलो, ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या करता है, चलने लग जाता है, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड यहाँ, हाँ ध्यान से, यहाँ पे भी क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाऊंगा यहाँ, यहाँ पे जो OH है बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है हाइड्रोजन, बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है इसका, PF स्टार्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट, और यहाँ देख, यहाँ देख, क्या यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, आता है बेटा बी बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, आगे देख, आगे देख, यहां पे बेटा जो आपका क्लोरीन है के साथ भी बेटा बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहां पे बेटा आपका डबल बॉन्ड बनने वाला, यहां पे आपका स्टार्ट होता है क्या, क्या ये क्या बनती है, क्या ये कोई इंटरमीडिएट है, दिस इज योर ट्रांजिट, This is your transition. ये क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, क्या होता है, BF भी पूरा हो जाता है, E भी पूरा, दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती है, और यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देख HROH, तो ये तो पानी बन गया, तो ये पानी बन गया, यहाँ पे देख Cl- बाहर निकला, Cl- बाहर निकला, यहाँ यहाँ पे बन, यहाँ पे बन जाता है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, बिल्कुल सत्य वचन, क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बेटा, ट्रांजिशन समझे, तो यहाँ पे देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, हाँ जी सर, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका बेस, मैंने से ना बेस है, ये रिएक्टेंट, ये बेस ऑफ रिएक्ट,
देख रिएक्टेंट पे भी है, बेस पे भी, यहाँ पे भी बेटा वन, यहाँ वन, वन और वन होता है बेटा, ऑर्डर टू हो गया, ऑर्डर टू हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर। कोई कार्बोकैटायन बना क्या, कोई कार्बोकैटायन बना क्या, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्बोकैटायन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। अब यहां सुन, ये इंपॉर्टेंट को मार्क कर लो, वे क्या बोल रहा है, देख मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो एक एल्कीन है, पता, क्या प्रोडक्ट आपको एल्कीन दिख रहा है? हाँ जी सर, एक प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बहुत सही बात है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी उतनी ज्यादा रेट रहेगी। अरे यार, अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना, तो रेट बढ़ेगी ना, रिएक्टिविटी बढ़ेगी ना। यहाँ पे जो E2 का ऑर्डर आता है ना, वो क्या आता है, उस 3 degree, 2 degree, 1 degree आता है, वन से उल्टा आता है, वन से उल्टा आता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, जरा बताओ ऐसा। तो यहाँ देख, जैसे सपोज कर मैं 3 degree बनाता हूँ, सुनना आप ध्यान से, आपको अभी आपको फील हो जाएगा बेटा, यश भैया पढ़ रहे करा के छोड़ेंगे, एक 3 degree बना दिया, एक 2 degree बना दिया, एक 1 degree, ये 2 degree, ये 1 degree निकालते हैं बेटा, डीहाइड्रोहैलोजनेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब यहां से हैलोजन, हैलोजन यहां से हैलोजन, हाइड्रोजन, एल्कीन बना, जरा एल्कीन बना, अगर पहले वाले में एल्कीन तो ये बनेगी, तो मुझे अब अल्फा हाइड्रोजन गिन, तो ये बनी, बनी इसमें, यहां इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये आएगा, और यहाँ देख यहाँ क्या आएगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा है, क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन, क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनी है, बनी है ना, अगर ज्यादा स्टेबल एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा, 3 degree सबसे शानदार, देन 1 degree, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करती है रेट। स्टेबल है आपकी एल्कीन, आपकी स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज्यादा, समझे 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 सर, ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आ जाओ लास्ट पोर्शन, ठीक है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, 25 मिनट और, एकदम एकदम गिनती के बता रहा हूँ, 25 मिनट और ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हम रेडी हैं? पहले एक तो पहले तो भैया आग चाहिए चैट सेक्शन में कि सर मैं 25 मिनट रुकने वाला हूँ। सर 2.5 घंटे रुक गया हूँ, यस मैम, मैम कौन है बेटा, ब्लूम्सबर्ग मैम है, मैम क्यों होती है, यस मैम कहना बेटा, नहीं सर बोलो, यस भैया, ठीक है 25 मिनट यार खत्म कर देते, फिर क्या होता है ना, फिर इधर उधर चीजें अटक जाती है, फिर कभी ये पूरा हो ही नहीं पाता, 25 मिनट लगेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है, हंसते हंसते बेटा कट जाए रस्ते, बेटा हंसते हंसते बेटा कट जाए रस्ते, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले लूंगा बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लूंगा मेरी गारंटी, और बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लूंगा मेरी गारंटी, लेकिन 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लूँ, मोस्ट प्रोबेबली इसी का एक क्विज लेने वाला हूँ, पूरी 11th की ऑर्गेनिक आएगी, IUPAC भी आएगा, आई हाँ जा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा हेलो एरिन, क्या होते हैं हेलो एरिन, होते हैं जब डायरेक्टली फाइल पे कौन लगाओ, हेलोजन लगाओ। अब आ जा सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसे लोग और प्यार से बताए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्या हमने ये पढ़ा है चैप्टर में, पढ़ा है ये हमने कि हमने हाइड्रोकार्बन्स में
सर कैसे? देखो ये चीज पढ़ी थी हमने, तो ये आपकी यहाँ पे आपने डाला और यहाँ पे आपने डाला AlCl। AlCl3 क्या करता है? AlCl3 क्या करता है बेटा? डाकू है, इनको क्या बोलता है? इनको बेटा उठा के ले, क्लोरीन को उठा के ले जाता है, क्लोरीन को उठा के ले जाता है, तो क्या बनता है? Al4- इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है Cl पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है Cl पॉजिटिव। अब कुछ नहीं, ये Cl पॉजिटिव इस पे अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है ए क्लोरोबेंजीन, है क्लोरोबेंजीन बना देते हैं, क्लोरोबेंजीन बना देते हैं। सही बात है, सही बात है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जो भी दिक्कतें आई हैं इस सेशन में वॉइस की, नेक्स्ट सेशन तक की वॉइस सब ठीक कर दूंगा, घबराइए नहीं। मेरे पास माइक मैं खरीद आऊंगा ना, आज ही ले आऊंगा मैं, नया माइक ले आएंगे, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन तक और बेटर चीजें हो जाएंगी, घबराइए नहीं, ठीक है। ये चीज सर समझ पाए, यहाँ देख एनिलीन, अब सुनना ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग किस को एरिन लोग बोलते हैं, डायजोटाइज, हम लोग बोलते हैं डायजोटाइजेशन, ये अमीन्स में वापस आएगा, तो हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, यानी का अमीन के वापस आएगा। लेकिन अभी भी आप लोग इसे देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है, ये होती है आपकी एनिलीन की रिएक्शन के साथ करा, कराते हैं NaNO2+HCl, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, HNO2 भी, नाइट्रस एसिड हो, ठीक है। ये एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ डाल दो NaNO2 और HCl। अब इसका टेम्परेचर हम लोग बहुत कम मेंटेन, 0 से 5 डिग्री मेंटेन। अब यहां पे सबसे पहली जो चीज बन वो क्या बन, ये हम सॉल्ट बन, क्या बनता है N2+Cl-, क्या बनता है N2+Cl-, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है इसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। और कई बार इस फिनाइल को शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, H लिख देता Cl-, ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट। अब जो आपकी रिएक्शन होती है ना, अब यहां से आपकी रिएक्शन होती है कैसे, यहां देख, जैसे ये रिएक्शन यहां पे देखिए, सबसे पहला फोकस दो इन व्हाइट कलर वाले एरो, क्या कर रहे हैं, डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करी Cu2, क्या होता है यहां, क्या यहां पे देखिए, यहां पे क्लोरीन है, यहाँ पे देख ब्रोमीन है, यहाँ पे देख साइनाइड है, यहाँ पे क्या होता है, इस फिनाइल से ये क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड जाके, क्लोरीन है ये क्लोरीन, ब्रोमीन है, साइनाइड है, समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देख यहाँ पे भी Cu और HCl, यहाँ पे भी Cu और HBr है, होगा ये, यहाँ पे देख क्लोरीन है, हाँ यहाँ पे देख Br है, क्या होगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, मैं बता रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ पे देख ब्रोमीन, तो डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम बने हैं, डिफरेंस है आप कॉपर पे, ध्यान लगाओ कॉपर पे, तो देख यहाँ पे कॉपर की स्टेट है, यहाँ पे प्लस वन, अगर प्लस वन ऑक्सीडेशन कॉपर की, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड में
और यहाँ पे देख कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, तो हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। तो कॉपर पे डिपेंड कर रहा है, अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेंडमेयर ऑक्सीडेशन, तो गेटर। और यहाँ देख यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ क्लोरीन आ जाए जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आए थे, यहाँ पे देख फ्लोरीन आ गया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्श रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्श रिएक्शन। आई होप ये चीज एक बन रहे ना हमारे हेलो एल्केन, एक हेलो एल्केन बन रहा है, बस ये नहीं बना हेलो एल्केन रुक जाओ यार, ये रिएक्शन वापस आएगी, अब आएगी अमीन्स वापस पढ़ाऊंगा, हो नहीं अमीन्स में, ठीक है प्रिपरेशन हो गई। हाँ जी सर, अब सुनना ध्यान से, अब ये बहुत जरूरी, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है वो, तो भैया नोटवा में लिखो, नोटवा को मिस नहीं करते क्या तुम, है वो तो नोटवा में लिखो यार, मैं तो बड़ा मिस करता हूँ आजकल, क्या नोटवा बड़ा वो हो गया है, कम आता है आज, क्या आएगा क्या आएगा नोट, देखो क्या बोल रहा है नोटवा, देखो क्या बोल रहा है नोटवा, बोल रहा है कि जो हेलो एरिन्स हैं They do not give nucleophilic substitution reaction normal condition. मतलब जो हेलोएरिन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है नॉर्मल कंडीशन। सर क्यों, सर क्यों, यहां देख रीजन एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्या, सबसे पहली बात पार्शल डबल बॉन्ड, सुनना ध्यान से, क्या हेलोएरिन ऐसा दिखता है जहां पे बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, अगर यहां से जब हेलोजन निकलेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये बॉन्ड मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है सर, रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो यहाँ पे पार्शल डबल बॉन्ड होएगा, पार्शल डबल बॉन्ड होएगा, तो क्या पार्शल डबल बॉन्ड तोड़ दोगे क्या, नहीं, पार्शल डबल बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग, तो तोड़ नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एक आप लोगों को जिंदगी की एडवाइस देता हूँ, जीवन में बेटा दो चीजें कभी नहीं तोड़, क्या क्या, सबसे पहले तो आपको पार्शल डबल बॉन्ड नहीं तोड़, और बेटा किसी का दिल भी नहीं तोड़ ना, फेब्रुअरी चार बरा महीना है ना, तो किसी का दिल भी नहीं तोड़, पार्शल डबल बॉन्ड भी नहीं तोड़, किसी का दिल भी नहीं तोड़, ठीक है, दो चीजें बेटा जीवन में। तो क्या पहला रीजन समझ में आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा, क्योंकि पार्शल डबल बॉन्ड सर हमने, ठीक है अच्छा यहाँ देखो दूसरा क्या बोल रहा है, चलो सपोज करो आप बेरहम बन गए, है ना, आप बेरहम बन गए और आपने क्या करा इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है, आपने क्या करा आप बेरहम बन गए और ये जो सर पार्शल डबल बॉन्ड था ना सर मैंने तो तोड़ दिया, मैंने सर लात मारी इसे और मैंने क्या कर दिया इसे तोड़ दिया, तो क्या कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा, क्या कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ, तो दिस इज फिनाइल कार्बोकैटायन, दिस इज अनस्टेबल, तोड़ तो रहे हो, अनस्टेबल भी तो बनना चाहिए, नहीं बनता, क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता, तो अगेन नहीं टूटता, अगेन नहीं टूटता, नहीं तोड़ना है, अनस्टेबल बन जाता। और तीसरा क्या बोल रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पल्शन फ्रॉम बेंज, बिल्कुल सत्य वचन है, सपोज कर ये है, तो यहाँ पे यार आप बेंजीन पे देखो तो क्या बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई बॉन्ड, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यार न्यूक्लियोफाइल अगर जाएगा तो क्या इसको रिपल्शन नहीं मिलेगा, क्या इसे रिपल्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल जाता है उसे भी क्या मिलता है, रिपल्शन मिलता है, ये रिएक्शन नहीं हो, लेकिन बेटा आप क्या हो, डीट हो,
हीट हो ना बेटा, उसने आपको मना कर दिया है, लेकिन बेटा आपने अभी से रोज खरीद के बैठे हो, है ना, बताओ रोज खरीद के बैठे हो या नहीं खरीदे हो तुम लोग हैं? सर हम तो डीट हैं सर, है ना, ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, है ना, तीन तीन रीजन दे दिए कि क्यों नहीं कराएंगे, लेकिन हम तो करा के रहेंगे, है ना, क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में तो होता है, खरीद के बैठे हो रोज, क्या बात कर रहे हो, खरीद के बैठे हो चॉकलेट सर, रोज चॉकलेट क्या होता है सर, टेडी खरीद गए हैं सर, इतना बड़ा, हमसे भी बड़ा सर टेडी खरीद गए हैं, है ना, टेडी सर उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, ठीक है, खराब हो जाएगा रोज, आ हा हा, ये भी बात सही है सर, आज तो सर 5 ही है, तारीख तो सर 7 की है, तो सर 2 दिन में तो आ जाता है, हम तो सर रोज देते हैं, आर्टिफिशियल वाला नहीं, रोज भी ऐसा देते हैं, असली देते हैं, एकदम महक होती है, तो ऐसा थोड़ी ना सर, सात को सर स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी हफ्ता है वो 7 को स्टार्ट हो जाएगा, सुबह सुबह जाएंगे 7 बजे या 8 बजे, है ना, और वहां से बढ़िया एक फ्रेश ताजा रोज लेके आए, बात तो यही है बेटा, है ना, तो यही करेंगे सर, ऐसे थोड़े, अब देखो देखो ड्रास्टिक कंडीशन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, डाउज प्रोसेस क्या होता है NaOH लिया, अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, प्रेशर देखो कितना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि तभी तो ये जो बॉन्ड है ये पार्शल डबल बॉन्ड है टूटेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, क्या बनाएगा O-Na+, ये बन जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड, तुम्हें क्या लगता है जीवन भर केवल हम क्या केमिस्ट्री पढ़ाई है, क्या अभी केमिस्ट्री क्या हमने खुद ट्राई नहीं करी है, बिल्कुल करी है, क्यों नहीं करी है, तुम्हें क्या लगता है केवल बस ये आईपैड पे ही लिखा है क्या पूरी जीवन भर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं, फिर क्या होता है सोडियम फिनोक्साइड आप थोड़ा सा H+ डालो तो यहाँ क्या होता है H+ बाहर निकलता है और H+ आ जाता है और यहाँ पे OH बना, यहाँ पे क्या बना रहता है OH बना रहता है, क्या बन जाता है फिनॉल बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा फिनॉल बन जाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात मैं आपको रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, समझिए इस बात, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है सर कैसे क्या Cl- एक न्यूक्लियोफाइल है, हाँ, क्या उसको रिप्लेस OH- ने करा, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और कहाँ हुआ बेंजीन पे, कहाँ हुआ बेंजीन, एरोमेटिक है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, समझे, अब देखो NCERT में बड़ी शानदार चीज दे, यहाँ पे देखिएगा, देखो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या था क्लोरोबेंजीन, टेम्परेचर क्या था 623 केल्विन, प्रेशर क्या था 308, जैसे ही आपने एक यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा, NO2 ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो देखो क्या टेम्परेचर कम 623 से 443 आ गए, हुआ क्या हुआ, तो वही क्या हुआ, यहाँ से ये बाहर निकला और यहाँ पे ओ आ गया, बिल्कुल सही, लेकिन कंडीशन चीज हो गई, यहां देख यहां आपने दो दो NO2 लगाए, बिल्कुल सही है, हुआ क्या हुआ, तो वही बेटा क्लोरीन बाहर निकला OH आया, एक टेम्परेचर और कम हो, कंडीशन और इजी, और जब आपने तीन तीन NO2 ग्रुप लगाए, NO2 कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे देख सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर से ही काम हो गया, आपको इतने टेम्परेचर की जरूरत,
मतलब क्या, इसका मतलब ये समझे, जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटिट्यूएंट, मैं NAS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटिट्यूशन क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं, रिएक्शन क्या हो रही है, इजी हो रही है, रिएक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक बात यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे बेटा जो NO2 है कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पर ही होना, क्यों, जब ऑर्थो और पैरा पर होगा तभी वो क्या दिखाएगा, माइनस आर दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा, मेटा पे दिखाएगा क्या रेजोनेंस, अच्छा अगर वो मेटा पे आ गया तो क्या रेजोनेंस दिखाएगा क्या, नहीं। यहाँ देख, यहाँ देख, जैसे मैंने देखिए दे दिया, देखिए OH है, NO2 कहाँ दे दिया, मेटा पे दे दिया, क्या कोई रिएक्शन होगी, नहीं, ऑर्थो और पैरा पर ही होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पर ही होना चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन, जो ये बना है ये कौन है बेटा, पिकरिक दीदी, हाथ लगाओ जल जाएंगी, कौन है बेटा ये, पिकरिक एसिड, कौन है बेटा ये, पिकरिक एसिड, बड़ा खतरनाक एसिड, ठीक है, ये पिकरिक एसिड, ठीक है। तो देखो मेटा पे कोई रिएक्शन नहीं, मेटा पे बेटा कोई रिएक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देख इंटरमीडिएट कौन है, कार्ब अनायन, इंटरमीडिएट कौन है, कार्ब अनायन, ये बात इंटरमीडिएट कार्ब अनायन है, तभी तो बेटा जो आपकी रिएक्टिविटी आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप, ये तो आया। अगर कार्ब अनायन आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट है क्या है, बढ़िया नहीं है, ठीक है। और आरडीएस क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और देखो मैंने ये तो मैंने लिखवा ही दिया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात इसको वेरी वेरी, अगर आपसे कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, सर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे पहली बात अब यहाँ पे बच्चा गलती, बच्चे को क्या लगता है, सर आयोडीन है, सर यहाँ पे बॉन्ड वीक होगा तो ये जल्दी से लीव कर जाएगा, तो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा उल्टा है, रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी एक्टिविटी होती, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, हाँ देख ध्यान से देख, बहुत इम्पोर्टेंट, बस बेटा आपकी क्लास होने वाली है ओवर, अब एकदम बैंड मत, देख कोई सा भी हैलोजन लगा हुआ है, एक्स लगा दिया, यम मैंने लगा दिया NO2, ठीक है, देख पे आपने NaOH का रिएक्ट कर, मतलब कौन आया, OH माइनस आयन, देखना OH माइनस आयन रिएक्ट कर रहा है, OH माइनस आयन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्या करेगा, ये बॉन्ड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा OH, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बताऊंगा आप सारी चीजें समझ जाएंगे। तो ये बन गया, यहाँ पे X है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे NO, सबसे पहली बात देख क्या आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन अनायन दिख गया है, क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब अनायन दिख गया है, ही आपका है आरडीएस होता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, यही डिपेंड करता है। अब यहां पे अगर यहां पे हेलोजन की जगह सपोज कर फ्लोरीन है, क्या फ्लोरीन अपना माइनस आई नहीं लगाएगा, माइनस आई लगाएगा तो क्या इस कार्ब अनायन को स्टेबल नहीं करेगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा जब फ्लोरीन आएगा, इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे वो फंडा नहीं लगाना है आपको कि सर ये बॉन्ड इजी रहेगा तो आपका होगा, यहाँ पे तो
हेलोजन है, अगर फ्लोरीन होगा तो हेलोजन क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। अगर फ्लोरीन होगा तो वो स्टेबल करेगा, है जो हेलोजन है वो स्टेबलाइजेस कार्बन आयन, स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को थ्रू किसके थ्रू, माइनस आई के थ्रू। और माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है, माइनस आई का अगर मैं ऑर्डर लिखने जाऊं तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन पे जो फ्लोरीन चाचा है वो सबसे बढ़िया है, वो कार्बन आयन को स्टेबल कर रहे हैं, कार्बन आयन को स्टेबल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट को स्टेबल कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। समझे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए, समझ गए। और ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया था हैलोजन्स की क्या प्रॉपर्टी होती थी, चलो सबसे पहले बताओ एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, ग्रुप पढ़ाए थे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोमेटा पैरा, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एक्सेप्शन था, ऑर्थो पैरा या मेटा, ऑर्थो प्रोफाइल है कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे, मेजर कौन सा बनता है, मेजर कौन सा बनता है, तो ये पैरा, मेजर कौन सा बनता है, इस तो इस माइन, सर ऑलवेज ऑलवेज हेलोजेंस के केस में ऑलवेज। देख एनसीईआरटी, मैंने बोला ना एनसीईआरटी पढ़ने लिया है, देख सपोज कर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आया, देख यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आया सी एल पॉजिटिव, कहाँ गया, देखो पैरा पे गया, ऑर्थो पे गया, फिर कौन पैरा, देख यहाँ से नाइट्रेशन प्रोफाइल क्या आता है एन ओ टू प्लस, कहाँ गया, देख ऑर्थो पे गया, पैरा पे गया, फिर कौन सल्फोनेशन, यहाँ से यहाँ ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है SO3, लेकिन जुड़ता कौन है, एक एक्स्ट्रा एच आता है, एक ऑर्थो पे गया, हाँ ये पे गया मेजर, हाँ मेजर कौन सा, ठीक है मैं बोला था ना सीआरटी नहीं पढ़नी है, पढ़ाऊंगा मैं, देख यहाँ पे देख क्राफ्ट, एक क्लोरीन बाहर निकला यहाँ पे आया सी एच थ्री पॉजिटिव, कहाँ गया ऑर्थो पे गया, कहाँ गया पैरा, ये देख फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ क्या बना, ये बना का इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ गया देख, कहाँ गया पैर, समझे। अच्छा अब एनसीईआरटी में लास्ट में एक ये भी दे रखी है रिएक्शन विद मेटल, एक वुड्स फिटिक है, ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है, दोनों पढ़ी है। कौन सा मैकेनिज्म होता था, फ्री रेडिकल, यहाँ पे देख इससे ये फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये बना, इससे फ्री रेडिकल बना आर डॉट, दोनों को जोड़ दिया, देखिए ये बन गया, यहाँ पे देख फिटिक बेटा फिटिक है ना, क्या बनते थे बायफिनाइल कंपाउंड्स, इसको हम क्या बोलते बेटा बायफिनाइल बोलते हैं, डायफिनाइल, ठीक है ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में। कंटेंट ऐसा दूंगा कि आपका सिलेक्शन, इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि यार आपका आपको ढाई घंटा या तीन क्लास अभी आपकी जो हुई है तीन घंटे के लगभग आपकी क्लास, अगर आप लगा रहे हो वो तो लगना चाहिए कि हाँ पढ़ा है हम, क्या तीन घंटे के बाद आपका आप कटा कटा फील नहीं होना चाहिए, क्या हो गया बात लग रहा है, चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है था चैप्टर, आप लोग रेगुलरिटी के साथ आते हैं तो और किसी से लें, आप लोग रेगुलरिटी के साथ आते रहिए, फिर ऑर्गेनिक भी बहुत जल्दी करो, सेशंस इंक्रीज कर दूंगा 4 घंटे 5 4 सेशन 5 सेशन
कर दूंगा, इन को कमेंट करके बताया आज हर बच्चा, आज मुझे कमेंट करके हर बच्चा कैसा लगा है। वॉइस की प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा यार, वॉइस की प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, वॉइस बहुत खराब हो गई है, वॉइस अटक रही है ना मुझे, वॉइस की प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, आई गारंटी ठीक है, आई गारंटी वॉइस की प्रॉब्लम सर। लेकिन सिलेक्शन ले, प्लीज इस साल सिलेक्शन ले ले, नीट 2020 में उड़ना है ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो देखा है तो बेटा लाइक ज़रूर शेयर करिएगा। ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि हमारे और पे भी ठीक है। ठीक है चलो चलो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर है ना नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं ठीक है। चलिए बाय 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 बाय, कमेंट करके जरूर जाइएगा, नीट 2024 फोड़ेंगे और सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।